ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण प्रभुपाद। आज हम लोग नवदीप लीला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को सुनेंगे, वो है जगाई मधाई का उद्धार। महाप्रभु के पतित उद्धार लीला में जगाई मधाई का नाम बड़ा ही आदर के साथ और बड़ी आशा के साथ लिया जाता है। पतित पावन करुणावतार करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनेक पतित जीवों का उद्धार हुआ, जिनमें जगाई मधाई अग्रगणी हैं। तो आज हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 3 अध्याय की चर्चा करेंगे, 13, 14 और 15, जिसमें जगाई मधाई के उद्धार का वर्णन है। आप लोग सुन चुके हैं कि महाप्रभु गया जी से लौटने के बाद श्रीवास के आंगन में दिव्य कीर्तन किया करते थे और वहां अपने प्रेमी भक्तों को अपने स्वरूप का विज्ञापन भी किए, जिसको 7 पहरिया भाव कहते हैं। भक्तों को बुला बुला कर दर्शन देना, जैसा कि सुबह के सत्र में आप सुने वैसे आगे भी सुनेंगे, किसी किसी भक्तों को बुला कर दर्शन दे रहे हैं। एक दिन महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच अचानक बोलने लगे कि अब यह कीर्तन केवल श्रीवास के घर में ही आंगन में ही सीमित नहीं रहेगा, इसको बाहर लोगों को भी देना है, प्रचार करना है। यहां से हम प्रारंभ करते हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु के मिलन के बाद उनके प्रति महाप्रभु की आज्ञा की चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज इसको विस्तृत रूप में सुनेंगे कि किस प्रकार महाप्रभु आज्ञा करते हैं जीव उद्धार के लिए, कैसा महाप्रभु के अंदर स्नेह है, करुणा है, किस रूप में अपने भक्ति में लोगों को लगाना चाहते हैं, इसका वर्णन यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य खंड के 13वां अध्याय। एक दिन अचंभिते हैल जनमति आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन महाप्रभु के मन में ऐसा विचार आया, उसके अनुरूप अचानक नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु को आज्ञा देते हैं। सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश प्रति घरे घरे गिया कर यही भिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा इहा बैयार ना बलिबा बलाइबा दिन अवसाने आसी अमारे कहिबा तुम्हारा कहिले भिक्षा जेई ना बलिब तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिब। अद्भुत बात महाप्रभु कह रहे हैं। सुनो नित्यानंद प्रभु और हे हरिदास ठाकुर, आप सुनिए हमारी आज्ञा, सर्वत्र प्रकाशित कीजिए, सब लोगों को बताइए। प्रति घरे घरे गिया करे यही भिक्षा, प्रत्येक घर घर में जाकर एक भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगना है? बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा।
कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के नाम बोलो और इसी के विषय में दूसरों को शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना है न बोलवाना है। और दिन भर इस प्रकार के प्रीचिंग करके दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा, दिन समाप्त होने के बाद शाम को आकर हमको रिपोर्ट करना। ठीक, एक बात, अगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन जो किया, तुम्हार करीले भिक्षा जेई ना बलिब, आपके हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक मांगने पर भी अगर कोई नहीं बोलेगा तब मैं चक्र लेकर उसका सिर काट दूंगा। आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल, सारे वैष्णव लोग हंसने लगे। अन्यथा करीते आज्ञा कार आछे बल, लेकिन इस आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता किस में है? अब वो चक्र से काटेंगे, क्षमा करेंगे, उनका काम, लेकिन बुलवाना तो अपना काम है, इस आज्ञा का कौन उल्लंघन करे। लेकिन सब लोग वैष्णव ठहाका मार कर हंसे, बाहर करुणा पुरुषोत्तम कल्कि अवतार ले लेंगे क्या? घोड़े पर चढ़कर भगवान सारे पापियों को काट देंगे और जो कलयुग के लास्ट में बचेंगे अच्छे सज्जन लोग उनको सतयुग में ट्रांसफर कर देंगे। आज्ञा सिरे करी नित्यानंद हरिदास, दोनों हाथ जोड़ लिए, तत्क्षण चली ने पथे आशीहास। तो कहे हाँ प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार, कह करके हाथ जोड़ करके उसी क्षण चल दिए। आज्ञा पाई दुई जने बुले घरे घरे, बोल कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे, जाकर दरवाजे दरवाजे बोलने लग, भिक्षाम देही हरे कृष्णा। घर की माताएं ले लेकर चावल आती थी, भाई कोई भिखारी आ गया तो वहां आकर कहते नहीं ये नहीं चाहिए, यह सब नहीं चाहिए, आप अपने मुख से एक बार बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बस हो गया, धन्यवाद कहकर चले जाते थे। बोला कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे, कृष्ण को बोलो, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बल भाई हय एक मन। कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण से ही जीवन है, ऐसे कृष्ण के विषय में एक मन होकर एकमत होकर, विवाद नहीं, भेद नहीं, अनेक प्रकार का पथ नहीं, सब लोग केवल एक कृष्ण का भजन कीजिए। यही मत नदी आए प्रति घरे घरे, बुलिया बेड़ान दुई जगत ईश्वरे। दोनों जगदीश्वर नदिया के घर घर में गए और कृष्ण नाम का प्रचार किए। दोहान सन्यासी वेश जान जार घरे, आथे व्यस्त आसी भिक्षा निमंत्रण करे। जिसके दरवाजे पर जाकर बोलते थे वे लोग दौड़ कर आते, भाई देना चाहिए। नित्यानंद हरिदास बले एई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। ये चावल नहीं, चूर्ण नहीं, बस आप केवल कृष्ण के विषय में बोलिए, कृष्ण का भजन कीजिए और दूसरों को भी कृष्ण के विषय में उपदेश कीजिए। यही बोल बलि दुई जन चली जाए, जे है सुजन से ही बड़ सुख पाए। सज्जन लोग तो कहते वाह भाई एक अद्भुत भिक्षाटन चालू हुआ। करीब करीब के बोले संतोषे, के बोले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। कुछ लोग कहते थे हाँ बोलेंगे बोलेंगे, तो इसको जपिए नियम बनाकर, कृष्ण का भजन कीजिए, आप माला ले लीजिए, अपने पास माला रखिए और भगवान के विषय में बोलिए, तो हाँ हाँ ठीक है बोलेंगे बोलेंगे अवश्य बोलेंगे। सज्जन लोग तो ऐसे कहते थे। कोई कोई बोलता था अरे दोनों पागल हो गए लगता है, देखो ना सबके द्वार पर जा जाकर ऐसे बोल रहे हैं। केह बोले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे, ये जो महामंत्र है ना बहुत बड़ा मंत्र है, वेद का गोपनीय मंत्र है और इसको ऐसे ही अन टाइम जब तब जप करने से ये दोनों पागल हो गए। कभी कभी मंत्र का प्रयोग सही ढंग से नहीं करने पर उसका नतीजा बुरा हो जाता है। देखो ये वेद के गोपनीय मंत्र, ये अत्यंत महत्वपूर्ण, वेदों का सार
लेकिन इसको ये लोग ठीक ढंग से नहीं उच्चारण किए, उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पागल हो गए हैं। भला देखो, दरवाजे दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, जो आता है तो कह रहे हरे कृष्ण बोलो, बस चले जाते हैं। बाप रे, पागल हो गए। तुम्हारा पागल हैला दुष्ट संग दोषे, आमा सब पागल करीते आई सखी से। तुम लोग तो गलत लोगों के संग में पागल हो ही गए हो, अब हमको पागल करने चले हो। भव्य भव्य लोक सब हैला पागल, निमाई पंडित नष्ट करीला सकल। देखो, अच्छे अच्छे लोग पागल हो गए, अच्छे अच्छे लोग पागल हो गए, अब निमाई तो सबको नष्ट कर दिया। ये गुला चैतन्य नृत्य ना पाईला द्वार, ताल बाड़ी गेले मात्र बोले मार मार। चैतन्य के नृत्य में जिन लोगों को प्रवेशाधिकार नहीं मिला था, उनके घर जाने से वे गुस्से में आकर कहने लगते थे, मारो मारो मारो, ये पागल आए हैं, किवाड़ बंद करके कीर्तन करते हैं। और हम लोग जाते थे तो जाने नहीं देते थे। केहो बोले एई दुई जन की बा चोर चर, छली करी चर्चिया बुलाए घरे घर। कोई कहते थे सुनो, ये कुछ जासूस हैं, छल पूर्वक घर घर में जाकर साइड देख रहे हैं, रात को क्या करेंगे जानते हैं। एक ग्रुप किवाड़ बंद के कीर्तन करता है, उसी में से कुछ लोग निकलकर चोरी करने जाते हैं। बंगाल में जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, किसी के घर लूट मार हो रहा है, दूसरा थोड़े करता है, निमाई ग्रुप ही करता है। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य रा आज्ञा बोले ना पाए तरा से। इन सब बातों को सुन सुनकर नित्यानंद प्रभु हरिदास प्रभु हंसते थे, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं होता था, उनके बातों से निंदा नहीं समझते थे। एक दिन पथे देखी दुई मातोयाल, महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल। एक दिन देखे दो मतवाला शराब के नशे में महादस्यु प्राय हो गए थे, महाडकैत, मद्यप शराब पीने वाले। ब्राह्मण हैया मद्य गोमांस भक्षण, डाका चूरी पर गृह दाहे सर्व क्षण। ब्राह्मण होकर मद्य पीते थे, शराब पीते थे, गोमांस खाते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे, दूसरे के घर में आग लगा देते थे, घर फूंक देते हैं, तो इनको पुलिस नहीं पकड़ती है क्या? इनके लिए न्यायालय नहीं है? दयानंद दे देखा बोला ये कोटाल, मद्य मांस बिना आर नहीं जाए काल। इन न्यायालय आज तक नहीं गए, न मानते हैं इन पर, न कोतवाल का हिम्मत है कि इनको पकड़ ले, इनसे डर होगा, पुलिस सब कांपती है, फूंक देंगे थाना, डरते ही नहीं किसी से। कोई समाज में एक दो व्यक्ति भी ऐसा दुष्ट निकल जाए तो उससे लोग थर थर कांपते हैं, भाई उसके विषय में कंप्लेन करोगे तो उनका तो बाद में कुछ होगा, पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर देंगे। केवल मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई इनका काम नहीं, इसी में इनका टाइम जाता है। दुई जन पथे पड़ी गाड़ा गड़ी जाए, जहारे से पाए से ही तहारे खिलाए। रास्ते में गिर कर लोटपोट होते हैं, जिसे देखते हैं उसे खदेड़ लेते हैं, मारने दौड़ जाते हैं। दूरे था कि लोग सब पथे देखे रंग, से ही खाने नित्यानंद हरिदास संग। छड़े दुई जने प्रीत छड़े धरे चूले, चकार बकार शब्द ऊंचे करी बोले। एक क्षण में ही दोनों आपस में गलबाही आलिंगन करने लगते हैं, और दूसरे क्षण ही दूसरे का शिखा पकड़ कर खींचते हैं। बावन है ही, चोटी भी रखे होंगे अथवा बड़े बड़े बाल होगा। कभी चकार बकार माने गाली भी देते हैं, गाली थोड़े लिखा जाएगा, माँ बहन लगाकर गाली देते होंगे। नदिया विप्रेल करी ल जाति नाश, मध्य बिछेपे कार्य करे आश्वास। मदिरा पीकर ये सब कुल का नाश कर दिए, ब्राह्मण जाति का नाश कर दिए दोनों। कभी कभी मदिरा के नशे में ये दोनों किसी किसी को आश्वासन पूर्ण वचन भी प्रदान करते हैं। सर्व पाप से ही दुई शरीर जन्मिला,
सारा पाप उन लोगों के उस शरीर से हुआ। प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं, वैष्णव निंदा पाप सबे ना हिल, मांस खाना, शराब पीना, आग लगा देना, व्यभिचार कुछ भी, लेकिन एक चीज उनके द्वारा नहीं हुआ, ये कमी रह गई, वैष्णव की निंदा नहीं किए। सुन लीजिए ध्यान से, वैष्णव निंदा पाप सबे ना हिल, अहर्निश मध्य पेर संगे रंगे थाके, दिन रात शराबियों के बीच रहते थे, पीते थे, खाते थे, नहीं लो वैष्णव निंदा यही सब पाके। बेचारे इतने व्यस्त से शराब में कि वैष्णव लोग क्या करते हैं उनको न देखने का अवसर मिलता था न बोलने का। जे सभाय वैष्णव निंदा मात्र है, सर्वधर्म थाकिले उ तबु है छय, सन्यासी सभाय यदि है निंदा कर्म, मध्य पेर सभा है ते से सभा अधर्म। सन्यासियों के बीच में जहां शराब का गंध ही नहीं है, जहां कोई नशा नहीं, कोई मांस नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई पाप नहीं, ऐसे सन्यासियों की सभा में यदि निंदा कर्म होता है, रामदास ऐसा है, श्यामदास ऐसा है, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, इतना पैसा सेठ दिया था लेकिन वो भंडारा में सब बचा लिया, थोड़ा सा खिलाया, दस दस रुपया दक्षिणा दिया, तो बहुत बदमाश है, ये है वो है। यदि ऐसी बातें होती है, ऐसी बातें तो कर्मियों के यहां होगी नहीं, ये तो साधुओं के यहां ही होंगी। निंदा कर्म होता है, मद्य पेर सभा है ते से सभा धर्म, शराबियों के समाज से भी वो समाज गया हुआ है। ध्यान से सुनिए, मद्य पेर निष्कृति आछये को न काले, शराब पीने वाले का तो कभी पाप मिट जाएगा, पर चर्चर गति नहे कभू भाले। लेकिन यहां देखिए एक विशेष बात, वैष्णव निंदा तो बहुत जघन्य पाप है, पर चर्चा, किसी की चर्चा नेगेटिव रूप में अगर करने की इच्छा है तो उसके अच्छा गुणों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन किसी के बुरे कर्मों की चर्चा तो कभी 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 नहीं करनी चाहिए। उससे जानते हैं क्या होता है, उससे उस बुरे कर्म का प्रचार होता है। आज समाज में इतने गलत काम हो रहे हैं, क्यों, एक ही काम का रिपीटेशन क्यों होता है, उस बुरे कर्म को बड़े भारी पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बड़े बड़े टीवी पर, रेडियो पर, अखबार के पन्नों में इतने भारी प्रचार होता है, तो यहां रेप हुआ तो वहां हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े माथा पेची करने वाले समाज शास्त्री इस पर विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, बड़े बड़े समाज के शुभचिंतक, बड़े बड़े विद्वान सब माथा पेची कर रहे हैं, क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है, सलूशन किसी को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं सलूशन मिल रहा है, इसका क्या कारण है, क्योंकि शास्त्र के इस गुह्यतम हितकारी संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं कि परचर्चा का कितना गलत रिजल्ट होता है। पर चर्चा का खुला हुआ अर्थ यह है कि उस दुष्कर्मों की चर्चा, किसी के गुणों की चर्चा को परचर्चा रूप दोष नहीं माना जाता है, उसके बुरे कर्मों की चर्चा को ही परचर्चा कहते हैं। और इस कलयुग के लोगों की दुर्दशा क्या है, किसी के शुभ कर्म और अच्छे गुणों के न बोलने और न सुनने की क्षमता रह गई है, बोल ही नहीं पाते, अगर कोई बोल भी रहा है तो सुन नहीं पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है, अब बुरा कर्म बोलने में तो शेष हो जाएंगे, सुनने के लिए तो पृथ्वी महाराज से ऊपर हो जाएंगे, उनको हजारों कान हो जाएगी सुनने के लिए। वे लोग भगवान की विशेष कृपा से यदि इस सिद्धांत को समझ जाएं तो सारी समस्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। गलत कामों की चर्चा ही ना हो तो फिर एक सलूशन होगा कि चर्चा ना हो तो इसका प्रश्रय मिलेगा, नहीं,
प्रशय नहीं मिलेगा। गलत कामों का एकदम खुला दंड होना चाहिए और भरी समाज में सबके सामने देखने वाले व्यक्ति कांप जाए। ऐसा रेफ करने वाले को भरी समाज में फांसी दे दो, खत्म। वो देख लें कि इसका क्या बुरा रिजल्ट है तो लोग समझेंगे, अरे तो फिर अपील हो सकता है, माफ हो सकता है, छूट सकता है, तो खत्म। तब तो करेगा ही गलत काम, तब तो एक से नया नया चीज देखने को मिलेगा। दुई जने किला किली गला गली करे, आपस में चर्चा करते हैं, गला गली करते हैं, मिलते हैं। नित्यानंद हरिदास देखे थाके दूरे, दूर से नित्यानंद हरिदास जी देख रहे हैं। लोक स्थाने नित्यानंद जिज्ञासे आपने, कौन जाति दुई जन है न मति के ने। नित्यानंद प्रभु लोगों से पूछते हैं, ये दोनों कौन हैं, किस जाति में इनका जन्म हुआ है और इनकी मति ऐसे कैसे हो गई। लोक बोले, गोसाई ब्राह्मण दुई जन दिव्य माता पिता महाकुले र उत्पन्न। हे गोसाई, ये ब्राह्मण है और बड़े ऊंच कोटि के ब्राह्मण, संस्कारित परिवार में जन्म हुआ है। सर्वकाल नदी आए पुरुषे पुरुषे, तिलार्धे को दोष नाही जे दोहार वंशे। इस नदिया में, इनके वंश परंपरा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिनमें आधा तिल भी दोष दिखाई दे। यही दुई गुणवंत पसारिल धर्म, जन्म होते मत करे पाप कर्म। ये दोनों गुणवान अपने धर्म को भूल गए और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्म में लग गए हैं। शुरू से छारी लग गोष्ठीते बल, दुर्जन देखिया मद्यपेर संगे बुले स्वतंत्र हैया। इन्हें बड़ा ही दुर्जन देखकर गोष्ठी ने इनको त्याग दिया, ब्राह्मण समाज इनको त्याग दिया है। दोनों स्वतंत्र रहकर मद्यपों के साथ घूमते फिरते हैं, शराबियों के साथ रहते हैं। इनको देखकर नदियावासी डरते हैं। यही दुई देखी सब नदिया डराए, पाछे कारो कोन दिन बसती पोड़ाए। दोनों को देखकर डरते हैं, सभी के मन में चिंता बनी रहती है, पता नहीं किसके घर में आग लगा देंगे। हे न पाप ना ही जहा ना करे दुई जन, डाका चोरी मद्य मांस करे भोजन। कोई ऐसा पाप नहीं है जो ये न करते हों। किसी के घर में भी आग लगा देंगे, सीधे फूंक देंगे घर। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुनी नित्यानंद बड़ करुण हृदय, दुई रे उधारे चिंते होइया सदय। थोड़ा गंभीरता से सुनना है। नित्यानंद प्रभु अपार करुणा के सागर हैं, लहराता हुआ करुणा का समुद्र। उनका करुण हृदय एकदम कांप गया सुनकर और मन में संकल्प कर लिए कि इन दोनों का उद्धार करना है निश्चित। पातकी तारीते प्रभु कैला अवतार, यही मत पातकी को था पाई वेन आर। अरे हमारे प्रभु पतितों के उद्धार के लिए आए हैं, ऐसा पातकी अब कहां हम पाएंगे। ये तो हमारा मिशन है, इन पतितों का उद्धार करना। लुकाइया करे प्रभु अपना प्रकाश, प्रभावन देखे लोके करे उपहास। अपने को छिपा कर लुकवा कर सिरवास के आंगन में किवाड़ बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। गोलोक बिहारी नदिया में आए हैं, किसी को पता नहीं है और लोग ऊपर से उपहास करते हैं। निमाई सबको बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, समाज को चौपट कर दिया। यही दुई रे प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे। यदि हमारे प्रभु इन दोनों पर विशेष कृपा करेंगे तो उनके जस की डंका बज जाएगा, लोग जान जाएंगे कि पतित पावन गौर हरि आ गए। तबे हूं नित्यानंद चैतन्य रदास, ए दुई रे कराऊ यदि चैतन्य प्रकाश। मैं तब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का सेवक मानूंगा अपने को, जब इन दोनों को चैतन्य की भक्ति, चैतन्य की शक्ति और कृपा इनके अंदर प्रकाशित करा दूंगा। सीधा महाप्रभु की कृपा की धारा इन दोनों के पास ला दूंगा, तब मैं सच्चा चैतन्य का दास। जेखन ये मन मत अपना न जाने, यही मत हो यदि कृष्ण नामे। जैसे इस समय ये लोग पागल होकर अपने आप को नहीं जान रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं,
हमारा कर्तव्य क्या है, जैसे अपने आप अपने जाति के स्वभाव, अपने वंश के स्वभाव, अपने कुल के स्वभाव को भूल चुके हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के नाम जपते हुए संसार को भूलेंगे। यह है नित्यानंद प्रभु की करुणा। मोर प्रभु बलि यदि कांदे दुई जान, जिस दिन मोर प्रभु मेरे प्रियतम, मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, हे कृष्ण कहकर यदि कांदेंगे रोएंगे, तब इसे सार्थक मोर यत पर्यटन, तब मेरा ये प्रीचिंग सार्थक होगा। ये घूमना गली गली में, गांव गांव में घूमना उस दिन सार्थक हो जाएगा जब हा प्रभु गौर सुंदर हे सचिनंदन कहकर रोएंगे, उस दिन मेरा प्रीचिंग सार्थक होगा, ये प्रचार सार्थक होगा। जे जे जन यही दुईर छाया पर शिला, वस्त्र सहित गंगा स्नान करे गिया। जो लोग आज इन लोगों के दर्शन करने से, इनकी छाया पड़ने से अपने को अपवित्र मान लेते हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं, से ही सब जन यदि ये दुहार देखी, वही लोग इन दोनों को देखेंगे, गंगा स्नान हेन माने तबे मोर लेखी। गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं समझेंगे, इनका दर्शन करके ही गंगा स्नान मान लेंगे, तब मेरा प्रीचिंग सार्थक होगा। ये देखिए करुण हृदय, नित्यानंद प्रभु रो महिमा अपार, पति तेर त्राण लागी जार अवतार। नित्यानंद प्रभु की ये महिमा, पतितों के उद्धार के लिए ये अवतार है। बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे पाप, पापों की व्याख्या शास्त्रों में की गई है, अति पातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जाति भ्रंशक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलावह, प्रकीर्ण, अनेक नामों से पाप की चर्चा की गई है। मातृगमन, कन्यागमन और पुत्र वधुगमन, ये अति पातक में आता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, ब्राह्मण के घर सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन, ये महापातक में आता है। और अनुपातक में 35 पाप हैं, शास्त्रों में व्याख्या किया गया। पति तेरा त्राण लगी जार अवतार, कितना हो जघन्य पापी हो, उन पापियों का उद्धार करने के लिए जिनका अवतार हुआ है, वो नित्यानंद प्रभु इस तरह से सोच रहे हैं। इति को चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति, इतना सोचकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, बोले हरिदास देख दोहार दुर्गति, हरिदास जी देखिए इन दोनों की दुर्गति, ब्राह्मण हैयाहीन दुष्ट व्यवहार, ये दोहार जम घरे नहीं को निस्तार। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जमराज के पास भी इनका निदान नहीं है, जमराज भी इनको शुद्ध नहीं कर सकते। यमराज का एक स्पेशल काम है कि पतितों को नरक की यातनाएं देकर पवित्र करें, शुद्ध करें, लेकिन उनके पास भी शुद्धिकरण इनका नहीं है। भागवतम में वर्णन है कि समस्त शरीर में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वहां भजन की सुविधा है, और उस मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण शरीर का अत्यधिक महत्व है, इसलिए वह भगवान का भक्त होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है, स्वयं भक्ति करता है, अपने आचरण से भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान के भक्ति के उपदेश करके लोगों का हित करता है, इसलिए मनुष्य शरीर में ब्राह्मण शरीर का महत्व है। प्राणांते मारिल तुमा जे जमन गणे, तहार एव करिला तुम्हें भाल मने मने। हरिदास जी, आपका जान लेने के लिए जौनों ने आपको पीटा, बहुत मार मारा प्राणांत करने के लिए, फिर भी आपने उनका हित चिंतन किया। यदि तुम्ही शुभानुसंधान करो मने, तबे से उद्धार पाए दुई जने। आप जैसे महान व्यक्ति, दूसरे के हित चिंतन करने वाले, अपने शत्रु का हित चिंतन करने वाले, ऐसे दयालु हरिदास ठाकुर, यदि तुम्ही शुभानुसंधान करो मने, यदि आप इनकी शुभ कामना करेंगे, तबे से उद्धार पाए दुई जने, तब इनका उद्धार होगा। तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आप यदि इनको मंगल करने की शुभ कामना करेंगे, तो
तो आपके संकल्प को महाप्रभु अन्यथा नहीं करेंगे। आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा, क्योंकि सप्त प्रहरिया भाव में महाप्रभु ने घोषणा किया था कि मेरे इस हरिदास का जो दर्शन कर लेगा उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा, जो ये सोचेगा वो काम पूरा होगा। तो प्रभु र प्रभाव सब देखू का संसार, चैतन्य करिल हे न दुई र उधार। महाप्रभु के इस महान करुणा को संसार देखेगा हरिदास जी यदि इनका उद्धार हो जाए। जेन गाय अजामिल उद्धार पुराणे साक्षात देखेनो एवे ये तीन भुवने। हम लोग पुराणों में सुनते हैं अजामिल के उद्धार की कथा, साक्षात दुनिया देख लेगी। नित्यानंद तत्व हरिदास भाल जाने, नित्यानंद तत्व को तो हरिदास जी खूब ठीक से समझते थे और मन ही मन समझ गए कि अब हो गया इनका उद्धार। हरिदास प्रभु बोले सुना महाशय, तुम्हार जे इच्छा से ही प्रभु र निश्चय। आपका जब संकल्प है, आपकी इच्छा है कि इन दोनों का उद्धार हो तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। बलिते प्रभु र आज्ञा जे दुई स्थाने, नित्यानंद हरिदास करिला गमने। तो ये दोनों चल दिए, चलो बुलवा कर देखते हैं। साधु लोग के मना करे निकट न जाओ, नागाला पाइले पाछे पराण हरायो। अरे बाबा मत जाओ इनके पास, जान बचा रहेगा तो खूब प्रीचिंग होगा, ये पागल है मार डालेंगे। हमारा अंतरे था कि पराण तरा से, तुम्हारा निकटे जाए के मने साहसे। हम तो इनको दूर से ही देखकर कांप जाते हैं और आप लोगों को कैसे साहस हो रहा है इनके पास जाने का। इनको सन्यासी या साधु का कोई ज्ञान नहीं है, किसे रस सन्यासी ज्ञान। ओ दुएर ठाई ब्रह्मबद गो भदेर जहार अंत नहीं, कितने ब्राह्मणों की हत्या किए, कितने गायों की हत्या किए, इनका कोई अंत नहीं है। मत जाइए, तथापि यह दुई जन कृष्ण कृष्ण बली। निकट चलीला दोहे महाकुतूहली, फिर भी ये दोनों कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं और एक कौतूहल के साथ जा रहे हैं आगे क्या होगा। सुनी बार पाए हैं निकट थकिया, कहे न प्रभु आज्ञा डाकिया डाकिया। लोग दूर से चिल्लाकर कह रहे हैं, बोला कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तुमा सबा लागिया कृष्ण र अवतार, हे न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अरे भाई कृष्ण के विषय में बोलिए, कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माँ है कृष्ण पिता है, वही हमारे धन है, वही हमारे प्राण स्वरूप है। आप लोगों के लिए कृष्ण का अवतार हो चुका है, तुमा सवा लागिया कृष्ण अवतार, हे न कृष्ण भज सब छाड़ा अनाचार। ऐसे कृष्ण का भजन करो, सारा अनाचार छोड़ दो, आ गए हैं कृष्ण। डाको सुनी माथा तुली चाहे दुई जन, महाक्रोधे दुई जन अरुण लोचन, संन्यासी आकार देखी माथा तुली चाय, धरो धरो बलि दोहे धरिवार जाए। कृष्ण का भजन करो, डाक सुनी कृष्ण का भजन करो। यह वाक सुनकर सिर उठाकर देखे कौन बोल रहा है। अच्छा, महाक्रोध से दोनों की आंखें लाल हो गई। महाक्रोध है दुई जन अरुण लोचन, लाल लाल आंख। अरे सन्यासी आकार देखी माथा तुली जाए, धरो धरो बोलि दोहे धरिवारे जाए। जब देखते हैं तो सन्यासी का रूप है, तो देख करके कहते पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ने के लिए दौड़ गए।
आथे व्यथे नित्यानंद हरिदास धाय रह रह बलि दुई दसु पाछे आए। तब तो नित्यानंद प्रभु भी भाग चले, हरिदास जी भी भाग रहे हैं और दोनों दस्यु पीछे तर्जन गर्जन करते हुए भाग रहे हैं। महाक्रोध से महाभय से मतवाले होकर वे क्रोध में भाग रहे हैं, ये लोग भय में भाग रहे हैं। और वो क्रोधित होकर दौड़ो पकड़ो 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 कर रहे हैं आ ये दोनों भाग रहे हैं। रह रह रुको 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 धाइया आई से पाछे तर्ज गर्ज करे महाभय पाई दुई प्रभु धाय डरे। अब तो दोनों प्रभु भाग रहे हैं तो लोक बोले तखन आई से निषेध करी लुई सन्यासी राजी संकट पड़ी ल। उसी समय हम लोग मना किए थे मत जाओ उस रास्ते में, लेकिन देखो बात नहीं माने आज संकट में पड़ गए। देखो अब क्या किया जाए। जते को पाखंडी सब हासे मने मने भंडेर उचित शास्ति कैल नारायणे। जो पाखंडी लोग हैं वे लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि नारायण इन भंडों का उचित दंड दे दिए। ये भाड़ कुछ काम है ना धंधा, नाचो गाओ भड़ैती कर रहे हैं। तो ऐसे भाड़ देखो ये भड़ैती कर रहे हैं, नारायण अच्छा किए इनको उचित दंड दे रहे हैं। रक्षक कृष्ण सुब्राह्मणे बोले से स्थाने छाड़िया भय चालीला सकले। लेकिन सद ब्राह्मण लोग कहते हैं हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। भयभीत होकर सभी उस स्थान को छोड़कर खिसक गए। रक्षा करो कृष्ण से कह रहे हैं, स्वयं नहीं जा रहे हैं बचाने, भाग भी रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रक्षा करो दोनों दस्यु पीछे से भाग रहे हैं। दुई दस्यु धाय दुई ठाकुर पलाय धरिनु बोले लागा नहीं पाए। अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा, भागने से जान नहीं छोड़ूंगा, रुको 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 कहकर भाग रहे हैं पीछे पीछे। बस पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए धरिनू 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 आप पकड़ लिए कहते हुए दौड़ रहे हैं। ये दोनों दस्यु उन्हें छू नहीं पा रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे। नित्यानंद बोले भाल है लो वैष्णव। नित्यानंद प्रभु भागते भागते कह रहे अच्छा वैष्णव बनाए आज यदि प्राण बचे तबे पाई सब, आज जान बच गया हरिदास जी वही काफी है, समझ जाइए सब कुछ मिल गया। हरिदास बोले ठाकुर आर के ने बोल किसे बोल रहे हो, तुम्हारा बुद्धि ते अपमृत्य प्राण गेला, आपके बुद्धि से तो आज अचानक प्राण संकट में पड़ गया, किसको कह रहे हो, आप ही तो उनके पास गए। मध्य पेर कैला जैन कृष्ण उपदेश उचित तहार शास्त्री प्राण अवशेष। इन शराबियों को इस रूप में कृष्ण का उपदेश करने का जो आपने निर्णय लिया उसी का उचित दंड मिल रहा है। केवल आज जान बच जाए तो समझिए कुछ हुआ है जीवन में। बस ये तब बोली धाय प्रभु हसिया हसिया दुई दस्यु पाछे धाय तरजिया तरजिया। ये दोनों प्रभु हंस रहे हैं भाग रहे हैं और वो दोनों गरज रहे हैं गाली दे रहे हैं। तुहारे शरीर स्थूल ना पारे चलिते तथापि धाय दुई मध्य पे त्वरिते। उन दोनों का भारी शरीर फिर भी दौड़ रहे हैं। दुई दस्यु बोले भाई कोथारे जाइबा। दोनों डाकू बोल रहे कहां जाओगे, जगह माधा ठाई आज के मते एड़ाइबा, आज जगह माधा से बाहर नहीं जा पाओगे, कहां जाओगे कहां तक भागोगे, क्या तुम्हें विश्वास है कि जगह माधा जगाई मधाई से बच जाओगे, कैसे बचोगे कहां जाओगे, रुको रुको थोड़ा तो रुको पलट कर देखो, तुम्हारा न जाना ये था जगह माधा आछे, खानी रहो उलटिया हेरा देखो पाछे, देखो पहचानो हम लोग कौन है, जगह माधा से नहीं बच सकते हो, जगाई मधाई से बाहर नहीं जा सकते हो, थोड़ा रुको। त्रासे धाय दुई प्रभु बचन सुनिया रक्षक कृष्ण गोविंद बोलिया। हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण हे गोविंद रक्षा करो, ऐसा कहने लगे हे प्रभु रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। हरिदास बले आमी ना पारी चलीते।
जानी आओ आसी आमी चंचल सहिते, कह रहे हैं कि मैं तो अब नहीं दौड़ पाऊंगा। जानता था इस चंचल के स्वभाव को, फिर भी इसके साथ आना पड़ा। राखी ने न कृष्ण काल जवन एरा ठाई, चंचल एरा बुद्धि आजी प्राण हराई। कहते हैं कि हे कृष्ण, कल तो जवनों से रक्षा कर लिए, उसमें तो मैं अकेला था, मेरा दोस्त था, लेकिन आज संग दोष में तो प्राण जाएगा। आज मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, चंचल के चक्कर में आज जान जाएगा, अब नहीं चला जा रहा है, अब नहीं चला जा रहा है। हरिदास जी बिल्कुल थक गए, अब नहीं चला जा रहा है, आज प्राण जाएगा। नित्यानंद बोले, आमी नहीं जे चंचल, मैं चंचल नहीं हूं। मने भाई देखा तुम्हार प्रभु से बिहवल, हम पर मत दोष लगाइए हरिदास जी, आपके प्रभु चंचल है। विचार कीजिए, ब्राह्मण हैया जैन राज्य आज्ञा करे, ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं, राजा जैसा आदेश कर रहे हैं। ब्राह्मण को ऐसे आदेश करना चाहिए, ब्राह्मण हैया जैन राज आज्ञा करे, तान बुले बुली सब प्रति घरे घरे, वही कहे हैं ना, सब घर में जाओ और सबसे नाम बुलवाओ, हमको मत दोष दीजिए, हम चंचल नहीं है, आपके प्रभु चंचल है। कोथा यो जे जानी सुनी सही आज्ञा तान, चोर ढंग बई लोक नाही बोले आन। अब बतलाइए, इनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, देख रहे हैं हम लोगों को लोग क्या कहते हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, सुन रहे हैं ना उनकी आज्ञा, उनकी जैसी आज्ञा है वैसा कभी कहीं सुनी है आप? लोग हमको चोर ढोंगी के सिवा और कुछ नहीं बोलते, आज्ञा पालन न करने पर सर्वनाश कर देते, और पालन करने पर तो फल मिल ही रहा है। नहीं आज्ञा पालन करते तो सर्वनाश कर देते, आप पालन करने का फल चखिए। आप भी तो विरोध नहीं किए कि ऐसा आज्ञा मत दीजिए, आप भी जो आज्ञा कहकर चल दिए, तो हमारा इसमें क्या दोष है? अपन प्रभुर दोष ना जाना है तुम्ही, दुई जने बलिलाम दोष भागी आमी। आप बतलाइए, अपने प्रभु का दोष तो तुम नहीं जान रहे हो, फिर हम दोनों ने मिलकर ही उनसे कहा था और दोष का भागीदार मैं अकेला हो गया, आप उस समय क्यों नहीं कहे कि उधर मत चलिए? हम दोनों मिलकर कहे बल कृष्ण भज कृष्ण, दोनों कहे थे ना, उस समय आप नहीं मना किए कि मत चलिए उधर, गांव वाले बेचारे मना कर रहे थे, वो तो ठीक है, आप तो मना नहीं किए, आपको भी उत्साह था कि उद्धार कर देंगे, और जब फंस गए तो हमारा दोष हो गया, हम चंचल हो गए। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अकेले हमारा दोष हो गया ना, आप अपने प्रभु को मना किए हैं, न यहाँ जब हम लोग चले तो उस समय मना किए। यही मत दुई जने आनंद कंदन, ये दोनों तो आनंद में अपना कला करते जा रहे हैं, दुई दस उधाए पाछे देखिया बिकल, ये लोग देखते हैं पीछे तो हरी बाप रे आ ही रहे हैं। पूरा परेशान कर दिए, धाइया आई लनी जे ठाकुरे रबाड़ी, मध्य पर बिछे पे दसु पड़े राड़ा रड़ी। तो ये लोग तो आ गए जहां रुकना है, महाप्रभु के घर के पास आए, मध्य पर आपस में कहां जाओगे, एक करोगे, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो देखा ना पाइया दुई मध्य पर रही से हुड़ा हुड़ी दुई जने रबाजी ल, तो रुक गए। बाद में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया आपस में, मध्य पर बिछे पे दुई किछु ना जानी ल, आछी लावा कोना स्थाने कोथन वा रही ल। कुछ देर के बाद ये दोनों दस्यु देख नहीं पाए कि वो घुस कहाँ गए। कुछ समय के बाद ये दोनों प्रभु पलट कर देखे, कत छड़े दुई प्रभु उलट या चाय, कोथा गेल दुई दस्यु देखते न पाए, अब नहीं रास्ते में दिख रहे हैं दोनों। स्थिर है दुई जने कुला कुली करे, हासी या चलीला यथा प्रभु विश्वम्भरे, तब दोनों थोड़ा खड़ा हुए, अब दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं ना हरिदास जी ना। ध्यान से देखिएगा, अरे ना नहीं दिख रहे हैं, फिर से देख लीजिए ना। तब दोनों स्थिर होकर चलते हैं हंसते हुए महाप्रभु के पास। बसी आछे महाप्रभु कमल लोचन,
सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन। महाप्रभु खूब सुंदर आसन पर बैठे हैं, चतुर्दी के रहिया छे वैष्णव मंडल, चारों तरफ भक्त है, अन्य कृष्ण कथा कहे न सकल, सब लोग कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। तब ये दोनों पहुंचे। नित्यानंद हरिदास है ना इस समय दिवस वृतांत जत सन्मुखे कहे, अपरूप देखिला आज दुईजन परम मद्यप पुनः बलाय ब्राह्मण। ते आज तो अद्भुत घटना हुई, जाति के ब्राह्मण है, शराब पीते हैं, भाले रे बलील तारे बल कृष्ण नाम। हम लोग बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर कहेगा आप कृष्ण नाम बोलिए। खेदड़िया आनी लेकर भागे रहे प्राण, वे हमारी पीछा कर लिए, किसी तरह प्राण बच गया, बस यही काफी है। प्रभु बोले कैसे दुई किवा तार नाम, कौन है दोनों, क्या नाम है, ब्राह्मण है या केने करे हैं काम, ब्राह्मण होकर क्यों ऐसे काम करते हैं, शराब पीते हैं। सन्मुखे आछिला गंगादास श्रीनिवास, सामने ही गंगादास जी और श्रीनिवास जी थे। कहे जते कतार विकर्म प्रकाश, वे लोग बताने लगे, हम समझ गए कौन है। से दुई नाम प्रभु जगाई मधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्मे यही थाई। ये दोनों का नाम है जगाई मधाई, एक ब्राह्मण के पुत्र हैं, ये साथ में जन्म लिए हैं, अच्छे ब्राह्मण घराने में हैं, इन दोनों का यही जन्म हुआ है, यही संग दोष के कारण दोनों की मति ऐसी विकृत हो गई है। शराब के अलावा कुछ नहीं करते, शराब पीते हैं खाते हैं, संग दोष ये दोहार हिनो ही लमती, आज जन्म मदिरा बई आन नहीं गति, जीवन पर्यंत शराब पीते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। प्रभु बोले जानो जानो से ही दुई बेटा, खंड खंड करी मु आईले मोरे एथा। जान गया अगर वे हमारे घर आ गए होते इनके पीछे तो उनको जीवित नहीं छोड़ता। नित्यानंद बोले खंड खंड करो तुमी से ही दुई थाकिते कोथा ना जाई बामी, जिसको काटना है काटते रहे अब हम करते जाएंगे, खंड 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 करना है काटते रहिए, अब हो गया प्रीचिंग, मैं नहीं जाऊंगा। किसे रवायत तुम्हें कर ही बड़ाई, आगे से ही दुई जने गोविंद बलाई। किस बात पर आपकी इतनी महिमा है, पहले तो आप दिनों से गोविंद कहवा दीजिए, इसके बाद काटिए। स्वाभाविक धार्मिक बलये कृष्ण नाम, यही दुई विकर्म वही नहीं जाने आन। ये दोनों स्वाभाविक कृष्ण का नाम बोले अपना विकर्म छोड़े, यही दुई उधारो यदि दिया भक्ति दान, तबे जानी पातक की पावन है न नाम। नित्यानंद प्रभु की जय। यदि इन दोनों का उद्धार करके इनको भक्ति का दान कर दिए तब तो आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। हमारे तारिया जत तुम्हार महिमा ततो धिक दुई उधारे रसीमा, हमारे उद्धार करने में आप जो महिमा दिखाए हैं ना उससे कई गुना महिमा आपकी बढ़ेगा इनके उद्धार करने में। हासी बोले विषम भर है ल उद्धार, जे क्षण दर्शन पाई ल तुम्हार। कहते हैं उनका उद्धार तो हो गया नित्यानंद, जिस समय आपका दर्शन प्राप्त किए उसी समय उनका उद्धार हो गया। नंबर एक, विशेष चिंता तुम जतेक मंगल, अरे स्पेशल कोर्स, जिसका मंगल आप मन में सोच लिए अचिराते कृष्ण कार करिबे कुशल, तत्काल कृष्ण उनका हित करेंगे, उनका मंगल हो गया। जिसका मंगल आप सोच ले उसका मंगल बाकी है। श्री मुखे वाक सुनी भागवत गण, जय जय हरिध्वनि करिला तखन, सारे भक्त हरिध्वनि बोले ताई गौर हरि बोल, हो गया उद्धार। हईल उधार सभे मानिला हृदय, तो अद्वैत स्थाने हरिदास कथा कहे हईल उधार, ये तो सबको विश्वास हो गया उद्धार हो जाएगा। हरिदास जी एकांत में अद्वैताचार्य के यहाँ हम वर्णन करते हैं, चंचल रह संगे प्रभु हमारे पठाए,
आमी थाकी कोथा से केवा कोने देखी जाए। हम दोनों प्रीचिंग करने तो निकलते हैं साथ में, लेकिन मैं किस दिशा की ओर चलना चाहता हूँ, किस दिशा में पागल के साथ पाला पड़ गया है, जानते हैं क्या होता है। बरसाते जाह्नवी जले कुंभीर बेड़ाए, बरसात में जाह्नवी में गंगा में कुंभी बह बह कर आता है, जल कुंभी, और उससे साथ लग जाता है जब, तो आप जानते हैं क्या करता है। सातारे एरिया तारे जे धरीवार जाए, ये गंगा में कूद कर उन कुंभियों को इधर से उधर करता है। दिन भर क्या प्रीचिंग करते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या होता है। कूले थाकी डाक पारी करी हाय हाय, सकल गंगार माजे भाषिया बेड़ाए। इसका व्यवहार अद्भुत है, तैरते हुए कुंभियों को पकड़ने के लिए जाता है। मैं तट पर खड़ा होकर हाय हाय पुकारता रहता हूँ, परंतु ये गंगा में बहते रहता है। यदि कभी बालक को देखता है तट पर, बच्चे को खदेड़ते हुए मारने के लिए दौड़ता है। तमाशा देखने जब लोग आते हैं लड़के, तो उसमें से निकलकर बच्चों को खदेड़ लेता है। अच्छा, उसके पास क्या होता है जब बच्चे रोते हुए भागते हैं, तो उसके घर के गार्जियन लाठी लेकर आते हैं। अच्छा, लाठी लेकर आते हैं तो मैं उनके पैरों पर गिर कर मनाता हूँ। तार माता पिता ऐसे हाथे डोंगा लैया, ता सभा पठाई अमी चरण धरिया, तब मैं उनके चरणों पर गिर कर उनको मनाता हूँ। ग्वालाए घृत दधि लैया पलाए, हमारे धरिया तारा मारी वारे चाय। ग्वाला के घर में जाकर दूध उठाकर भाग जाता है, पी जाता है, किसी का घी लेकर भाग जाता है। तब वो लोग हमको मारने दौड़ते हैं। सही से करे कर्म जेई जुक्ति नहे, जो जो कर्म करता है ना ये पागल, वो कहने लायक नहीं है। कुमारी देखिया ज्योतियों को देखता है तो कहते हैं मोरे विवाहिए। कुमारियों को देखता है तो कहता है अरे मुझसे विवाह करोगी। चढ़िया साढ़े रीठ महेश्वर बोलाए, और किसी साढ़ के ऊपर चढ़कर कहता है महेश है। दूसरे के गाय खेतों में चल रही है, दूह लेता है मुंह में, आमी सिखाई ले गाली पराए तुम्हारे, की करी ते पारे तोर अद्वैत हमारे। जब मैं कहता हूँ कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, जब मैं समझाता हूँ तो आपको गाली देता है और कहता क्या है, तेरा अद्वैत मेरा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तेरा अद्वैत, जाकर कह देना, जो मन करेगा वो करूंगा। चैतन्य बलि से तारे ठाकुर करिया, सेवा की करी ते पारे हमारे आसिया। जिसको ठाकुर कहता है वो चैतन्य से कह देना, वो अभी आकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन्हीं दोनों पर इतर आते हो ना कि अद्वैत से कहूंगा चैतन्य, कह देना। किछु इना कही अमी ठाकुर आस्थाने, मैं डर के मारे कुछ नहीं कहता हूँ। दैव जोगे आज ही रक्षा पाई न पराने, आज किसी तरह जान बच गया। आज की घटना तो पूछिए मत, आज जैसा ही रोज कुछ उठपटांग करता है। अब जल कुंभी गंगा में बह रहा है तो उसको इधर उधर करने के इसी की ठीका है। और बच्चे तमाशा नहीं देखेंगे, कोई उठपटांग काम होगा तो तमाशा देखेंगे ना, तो उनको खदेड़ लेता है। तो उनके माता पिता लाठी लेकर आ जाते हैं, बतलाओ। और फिर उधर जब किसी ग्वाला का दूध पी जाता है, किसी को गाय का दूध कर पी जाता है, कुछ भी करता है। महामातो वल दुई पथे पड़ी आछे, पागल दो लोग शराब पीकर पड़े थे। कृष्ण उपदेश गिया कहे तारे काछे, महाक्रोधे धाई आई लमारी वार, जीवन रक्षा रहे तू प्रसाद तुम्हार, आपकी कृपा से आज जीवन बच गया। हासी अद्वैत बोले, हंसकर द्वैता चार कौन चित्त न है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मद्य पेर उचित तो मद्य प्रसंग है, खुद पागल है तो पागलों के पास जाए कहीं, क्या इसको आप सोचते हैं कि ये मद्यप नहीं है, ये भी मद्यप है। जिसका जैसा स्वभाव ऐसा संग करेगा। तीन मातोयाल संग एकत्र उचित, नष्टी कहैया के ने तुम पार भीत। तीन पागल एक साथ हो गए तो आप बीच में क्या करोगे हरिदास जी। नित्यानंद करीब सकले मातोवाल, वहां न चरित मुई जानी भाले भाल, वो सबको पागल करके छोड़ेगा, इतना ही नहीं करेगा। अद्वैताचार्य की भविष्यवाणी सुनिए,
हम लोगों के बीच उन पागलों को लाकर नचाएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं द्वैत आचार्य। इतना नहीं, अभी तो देखिए, यही देखो तुम्ही दिन दुई तीन ब्याजे, केवल दो तीन दिन में से ही दुई मध्य पानी व गोष्ठी माझे हम लोगों के बीच में लाएगा उन पागलों को। आप सोचते हैं कि बस कह दिया छोड़ देगा, ये अब आपको भी नहीं साथ ले जाएगा, पड़ गया ना उन लोगों पर, निश्चित रूप से उनको लाएगा अपने समाज में और नचाएगा। जब तक ऐसा नहीं करेगा ना, रुकेगा नहीं, दिन रात उसी के विषय में बलि लो अद्वैत हैले न क्रोधावेश। वर्णन करते करते कृपा का भावाविष्ट हो गए। सुनिब सकल चैतन्य र कृष्ण भक्ति के मने नचाए गाए देखो तान शक्ति। देख काली से दुई मद्यपा आनिया निमाई निताई दुई नाचिबे मिलीबा एकाकार करीबेन ए दुई जने। दो नदी जब उथलेगी एक साथ मिलकर बाढ़ आएगा, जाति लई तुमी आमी पलाई जतने। अपनी अपनी जाति को लेकर हम और तुम यहाँ से यत्न पूर्वक भाग चले, इनके समाज में रहने लायक हम लोग नहीं, इनका बाढ़ आएगा निश्चित निश्चित रूप से। द्वैतर वाक बुझे कहार सकती बुझे हरिदास प्रभु जार जन मती। द्वैत जी की बात को समझने की किसमें क्षमता है, प्रभु हरिदास समझ गए, जैसे जिसकी मति है उतना समझे, कोई अपेक्षा भी नहीं है कि सब लोग ठीक से समझ ही जाए। जे पापिष्ट एक वैष्णव पक्ष है अन्य वैष्णव निंद से ही जाय छय। एबे पापी सब अद्वैतेरे पक्ष हैया गदाधर निंदा करे मरे पुड़िया। अभी सभी पापी अद्वैत का पक्ष लेकर गदाधर की निंदा कर रहे हैं और इस कारण जलन से मर रहे हैं। जो पापिष्ट किसी भी एक वैष्णव का पक्ष लेता है, दूसरे वैष्णव की निंदा करता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं, किसी साधु की निंदा करते हैं, किसी की पक्ष लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। प्रभु र बाड़ी र काछे थाके निशा भागे सर्वत राति प्रभु कीर्तन सुनी जागे। मृदंग मंदिरा बाजे कीर्तन र संगे मदे र बिछे पतारा सुनी नाचे रंगे। अब उन दोनों का रूटीन सुनिए, तो शराब के नशे में दोनों नाचते हैं वहां खड़ा होकर। दूरे थाकी सब ध्वनि सुनी बार पाए सुनी ले नचाई अधिक मद दिखाए। नाचते नाचते शराब भी पीते हैं। जखन कीर्तने करे दुई जन रहे सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नचाए। जब मृदंग कीर्तन का ध्वनि सुनते हैं तो खूब नाचते हैं, बिहोल होकर शराब पी पी कर। दिन में अगर महाप्रभु दिखाई दे देते हैं गंगा तट पर जाते या कहीं रास्ते में, तब बोलते हैं प्रभु रे देखिया बले निमाई पंडित कराई वा संपूर्ण मंगल चंडीर गीत। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वे लोग कहते थे ओ निमाई पंडित संपूर्ण मंगल चंडी गीत कराओ। गाये न सब भाल मुई देखी बारे चाऊ सकल आनिया दिब जथा जेई पाऊ। तुम्हारे पास दक्ष दक्ष गायक हैं, हम उनके मुख से सुनना चाहते हैं, तुमको जो सामान चाहिए वो हम ला ला कर देंगे। दुर्जन देखिया प्रभु दूरे दूरे जाए आर पथ दिया लोके सब आई पलाए। उन दुर्जनों को देखकर महाप्रभु दूर दूर से चले जाते थे और दूसरे लोग तो पथ छोड़कर भाग जाते थे, रास्ता छोड़कर भाग जाते थे। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमिया निशाय आई से दोहे धरी लेख गिया। एक दिन नित्यानंद प्रभु नगर का भ्रमण करते हुए रात्रि में उन दोनों के तरफ चले गए। केरे केरे बलि डाके जगाई मधाई नित्यानंद बोले न प्रभु र बाड़ी जाई। नित्यानंद प्रभु को देखकर वो दोनों बोलने लगे जगाई और मधाई, कौन है कौन है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हम महाप्रभु के घर जा रहे हैं। मदेर बीछे पे बोले किवा नाम तोर। नित्यानंद बोले अवधूत नाम मोर। शराब के नशे में वो लोग पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है,
नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भावे महामत नित्यानंद राय, मद्यपे रसंगे कथा कहे न लीलाए। बाल्य भाव में मतवाला नित्यानंद प्रभु उन शराबियों के संग में वार्ता करते हैं, लीला पूर्वक मन ही मन सोचते हैं, उधारी व दुई जन हे न आछे मने, अतएव निशाय आईला से स्थाने। नित्यानंद प्रभु मन ही मन संकल्प कर लिए कि इन दोनों का उद्धार करना है, इसलिए उस रात्रि काल में वहां उपस्थित हुए। अवधूत नाम सुनी मधाई कुपिया, मारिल प्रभु र सिरे मटकी तुलिया। अवधूत नाम सुनकर मधाई क्रोधित हो गया और शराब की मटकी उठाकर उनके सिर पर दे मारा। फुटिल मटकी सिरे रक्त पड़े धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद संतरे। शराब का मटकी जब सिर पर मारा, नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बहने लगा और नित्यानंद प्रभु गोविंद 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 स्मरण करने लगे। दया होइल जगाई रो रक्त देखी माथे, आर बार मारिते धरिल तार हाथे। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बहते हुए देखकर जगाई को दया आ गई और वह मधाई का हाथ पकड़ लिया। आर बार मारी ते धरी लता रहा थे, जब दोबारा वो मारना चाहा तो जगाई उसका हाथ पकड़ लिया। केने हेन करी ले निर्दय तुमी दृढ़, देशांतरी मारिया की हैबा तुमी बड़। मधाई के व्यवहार का विरोध करते हुए जगाई कहता है, क्यों तुम इस प्रकार अपनी निर्दयता को दृढ़ कर रहे हो, मान परदेशी को मारकर तुम बहुत बड़ा हो जाओगे। एड़ो एड़ो अवधूते ना मारी हा आर, सन्यासी मारिया को न भालवा तुमार। अरे छोड़ो छोड़ो भाई, इस अवधूत को अब मत मारो, सन्यासी को मारकर तुम क्या लाभ प्राप्त करोगे, क्या तुमको मिल जाएगा। आथे व्यथे लोके गिया प्रभु रे कहिला, सांगो पांगे तत्क्षणे ठाकुर आईला। वहां आसपास के लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे वो तत्काल महाप्रभु के पास जाकर सूचना दिए और चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ तत्काल वहां उपस्थित हो गए। नित्यानंदेर अंगे सब रक्त बहे धारे, हासे नित्यानंद से ही दुए र भीतरे। नित्यानंद प्रभु के शरीर से खून बह रहा है, उन दोनों के बीच नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं। रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह नहीं जाने, चक्र 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 प्रभु डाके घने घने। नित्यानंद प्रभु के शरीर पर खून देकर महाप्रभु क्रोधावेश में हो गए और चक्र 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 का आह्वान करते हुए हुंकार करने लगे। आथे व्यथे चक्र आसी उपसन होइला, जगाई मधाई ताहा नयने देखिला। तत्क्षण वहां चक्र उपस्थित हो गया, जगाई मधाई अपने आंखों से चक्र को देखे। प्रमाद गनी ना सब भागवत गण, आथे व्यथे नित्यानंद करे निवेदन। और वहां उपस्थित भक्त लोग चकित हो गए, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मधाई मारी ते प्रभु राखिल जगाई, दैव से पड़ील रक्त दुख नहीं पाई। हे प्रभु, जिस समय मुझे मधाई मार रहा था, जगाई ने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। ये तो दैव जोग से थोड़ा सा खून निकल गया, इसे मुझे कोई दुख नहीं है। मोरे भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर, किछु दुख नाही मोर तुमी हो स्थिर। प्रभु कृपा करके मुझे इन दोनों शरीर के लिए भिक्षा दीजिए, अर्थात इनका विनाश नहीं होना चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं है, आप स्थिर होइए। जगाई राखिल है न वचन सुनिया, जगाए र आलिंगिया प्रभु सुखी है या। जगाई रक्षा किया है, यह बात
महाप्रभु जब सुने तो जगाई को दौड़कर आलिंगन कर लिए, बड़ा सुख पूर्वक आलिंगन कर लिए। जगाई को आलिंगन करके महाप्रभु सुखी हो गए। जगाए रे बोले कृष्ण कृपा करो तोरे, नित्यानंद राखी आखी नील तुई मोरे। महाप्रभु जगाई से बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा हो, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया। जे अभीष्ट चीते देखो तहां तुम्ही मांगो, जो तुम्हारे मन में हो तो मांग लो, आज ही हईते हो तोर प्रेम भक्ति लाभ। आज से तुमको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, अपने आप भी दे रहे कहे मांग लो। जगाई रे बर सुनी वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करी ला सकल। सारे भक्त लोग वहां उपस्थित थे, सब जय करने लगे, निताई गौर हरि प्रेम भक्ति हौ करी जखन बोलीला तखन ही जगाई प्रेम मूर्छित हईला। प्रेम भक्ति हो इतना सुनते ही जगाई को प्रेम भक्ति की मूर्छा आ गया। प्रभु बोले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य आमी प्रेम भक्ति दान दिल तोरे। उठो उठो देखो देखो मुझे, मेरे तरफ देखो। जगाई को उठा दिए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धर, जगाई देखिल से ही प्रभु विशंभर। देखिया मूर्छित हैया पड़ी ला जगाई, बक्षे श्री चरण दिला चैतन्य गोसाई। फिर मूर्छित हो गया, उसके छाती पर अपना चरण रखे, पाइया चरण धन लक्ष्मी का जीवन, धरी ल जगाई जैन अमूल्य रतन। जगाई को वह चरण मिला जो लक्ष्मी का जीवन है, चरण धरिया कांदे सुकृति जगाई। एवं मत अपूर्व करे गौरांग गोसाई, एक जीव दुई देह जगाई मधाई। आत्मा तो एक ही है, दो शरीर है दोनों का, एक पुण्य एक पाप वैसे इकठाई। जगाई र प्रभु जब अनुग्रह कैला, मधाई रचित तत्क्षणे भाल हैला। ये देख कर जगाई की दशा को मधाई तो अपने आप बदल गया। आथे बेथे नित्यानंद बसन एड़िया, पड़ी ल चरण धरी दंडवत हैया। क्षमा करो गोसाई, दुई जने एक ठाई कैला प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु कर दुई भाग। मधाई की बात इतना विदारक है कि हद से बाहर। अतः हम दोनों एक साथ पाप किए, लेकिन अपने अनुग्रह को दो भाग में क्यों कर दिए? बाली और सुग्रीव जैसा हो गया। मोरे अनुग्रह कर लऊ तोर नाम, हमारे उद्धार करिवारे नहीं आन, कोई दूसरा उद्धार हमारा नहीं कर सकता है। प्रभु बोले तोर त्राण नहीं देखी मुई। महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा तो कोई त्राण ही नहीं है। नित्यानंद अंगे रक्त पड़ीला से तुई, नित्यानंद के शरीर से खून निकाल दिया, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मधाई बोले यहा बोली ते ना पारो, ऐसा मत बोलिए महाप्रभु, अपन धर्म प्रभु अपनी के न छाड़। मधाई इतना विदारक बात कहा है, हे प्रभु आप अपना धर्म अपने से क्यों छोड़ रहे हैं? आप अपना धर्म पालन कीजिए, अपना धर्म पालन कीजिए प्रभु। बाणे विधि लेह तुमा जे असुर गण, निज पद ता सवारे तबे दिल केने। मैं तो सिर फोड़ दिया, खून निकल गया, ये प्रथम घटना है। बाण से जिन असुरों ने आपके शरीर को विध किया है, उनको भी आप अपना धाम देते हैं। प्रभु बोले तहा हैते मोर अपराध, वे तो हमारे प्रति अपराध करते हैं तो उनको वैकुंठ देता हूं। नित्यानंद अंगे ते करील रक्तपात, तुम हमसे बढ़कर हमारे नित्यानंद को रक्तपात किया है, मेरा नहीं। अमा हैते यही नित्यानंद देह बड़, हमसे बढ़कर नित्यानंद का शरीर है। तोर स्थान यही सत्य कही नाम दृढ़, तुमसे मैं सत्य कह रहा हूं मधाई। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बलह निकृति मुहि पाइबे के मने। बोल रहा है मधाई, ठाकुर यदि आप सचमुच सत्य कह रहे हैं तो आप ही बतलाइए मेरा पाप कैसे मिटेगा, उपाय तो बताइए। सर्व रोग नाश वैद्य चूड़ा मणि तुम्ही, तुम्ही रोग चिकित्सिले सुस्त है आमी। मैं पूरा पूरा समझ रहा हूं,
आप ही बताओ मैं क्या करूं, ना करो कपट प्रभु संसारे नाथ, मुझे कपट मत करो प्रभु, विदित हईला आर लुकाई अकात, समझ गया आपको, मत छिपाइए अपने को, मत मुझसे कपट कीजिए। प्रभु बोले अपराध कैल तुम बड़, नित्यानंद चरण धरिला गया पर, उपाय बता दिए, तुम नित्यानंद का चरण पकड़ो, मुझसे मत कुछ कहो। पाई आ प्रभु आज्ञा मधाई तखन, तब मधाई महाप्रभु की आज्ञा पाकर धरी ल अमूल्य धन निताई चरण, नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ लिया। जे चरणे धरिले ना जाए कभु नाश, रेवती जाने न सही चरण प्रकाश। जिन चरणों के आश्रय लेने पर कभी अमंगल नहीं होता, जिन चरणों को रेवती जी जानती हैं। विश्वम्भर बले सुन नित्यानंद राय, पड़ी ल चरण कृपा करी ते जुआय। अब महाप्रभु पैरवी कर, महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद देखो आपके चरण पर पड़ा हुआ है मधाई, तुम्हारा अंगे ते जेन कैलस रक्तपात, तुम इसे छमीला पाल पड़ीला तुम्हार, जो तुम्हारे शरीर से खून निकाला वही तुम्हारे चरणों में गिरा है, आप ही उनका उद्धार कर सकते हो। नित्यानंद बोले प्रभु की बलि ल मुई, वृक्ष द्वारे कृपा करो सही शक्ति तुई, कोन जन्म थाके यदि अमार सुकृत, सब दिन मधाई र सुनह निश्चित। कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी सुकृत किया हूं, जो भी पुण्य कर्म किया हूं, मैं सब मधाई को देता हूं। मोर जत अपराध किछु दाय नाई, माया छाड़ कृपा करो तुम्हारा मधाई, मैं मधाई के व्यवहार से थोड़ा भी दुखी नहीं हूं। आप अपनी माया छोड़िए प्रभु, कृपा कीजिए मधाई के ऊपर। विश्वम्भर बोले यदि छमिला सकल, मधाई र कोले देह हो का सफल। महाप्रभु कह रहे हैं यदि वास्तव में आप क्षमा कर दिए तो मधाई का आलिंगन कीजिए। प्रभु आज्ञा कैल दृढ़ आलिंगन, मधाई सकल सर्व बंधन मोचन। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु मधाई को पकड़ लिए। मधाई र देहे नित्यानंद प्रवेशीला, सर्वशक्ति संभवित मधाई हईला। जे ही नित्यानंद प्रभु आलिंगन किए, नित्यानंद प्रभु की संपूर्ण शक्ति मधाई में प्रविष्ट कर गई। हिन मते दुई जने पाई लम्बोचन, दुई जने स्तुति करे दुई रे चरण। अबे दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़ गए और स्तुति करने लगे। अद्भुत अद्भुत स्तुति किए हैं, आगे के भी अध्याय में वर्णन है। प्रभु बोले तोरा आर ना करी स पाप, जगाई मधाई बोले नारे नारे बाप, अब पाप मत करना, अब इस तरह की गलती मत करना, महाप्रभु कह रहे हैं। तो दोनों बोलते हैं आर नारे बाप, अब नहीं अब नहीं अब नहीं करेंगे। प्रभु बोले सुनो सुनो तोरा तुई जन, सत्य सत्य आमी तोरे करीला मोचन, अब तुमको मैं माफ कर दिया, कोटि कोटि जन्म जत आछे पाप तोर, आर यदि ना करी सब दाय मोर, आज के बाद यदि पाप नहीं करोगे तो अब तक जितना पाप किए हो तुम लोग मैं उसको लिया। तो दोहारे मुखे मुई करीब आहार, क्या करुणा अवतार है महाप्रभु। कहते आप दोनों के मुख से मैं भोजन करूंगा, तोर देहे होइबे मोर अवतार, तुम लोगों के शरीर में हमारा अवतार होगा, तुम लोगों को देखने से मेरा दर्शन का लाभ मिलेगा, तुमको खिलाने से मुझे भोजन मिलेगा। प्रभु रसुनिया वाक जगाई मधाई, आनंदे मूर्छित हई पड़ी ल तथाई। वही दोनों मूर्छित हो गए, एकदम पागल की तरह गिर पड़े। मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम्भरे। दुई जने तुली लय अमार बाड़ीते, दोनों को ले चलिए हमारे घर, कीर्तन करीब दुई जने र सहिते, इन दोनों के साथ मैं कीर्तन करूंगा। द्वैताचार्य की भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब ले कराएंगे अपने समाज में। ब्रह्मा दुर्लभ आज ये दुहार दीब, ब्रह्मा को जो चीज नहीं मिला है वो इन दोनों को दूंगा, ये दुहारे जगत उत्तम करीब। ये दुई परसे जे करिला गंगा स्नान,
इन दोनों को देखकर जे लोग गंगा स्नान किए हैं इन्हें दोहारे बलि बसे गंगा समान, इन दोनों को गंगा के समान पवित्र करूंगा। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद एकांत में प्रतिज्ञा किए थे, महाप्रभु सुने नहीं थे, लेकिन देखिए सर्वअंतर्यामी कह रहे हैं नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद इच्छा ही जानी ब निश्चय। जो नित्यानंद सोचा है कि गंगा स्नान का फल मिलेगा वो जगाई मधाई सब वैष्णव धरिया प्रभु बाड़ी र अभ्यंतर गेला लैया, लेकर गए भक्त लोग पकड़ कर बसिला आसिया महाप्रभु विश्वभर दुई पासे शोभे नित्यानंद गदाधर। महाप्रभु के दाहिने निताई चंद बामे गदाधर, महाप्रभु बीच में है, दोनों खड़ा है सन्मुखे अद्वैत बसे महापात्र राज आचार्य दी के बसे सब वैष्णव समाज। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास गरुण रमाई श्रीनिवास गंगाधास, सब लोग बड़े बड़े महंतों का नाम ले रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास गरुण रमाई श्रीनिवास गंगादास बक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य ये सब जाने न चैतन्य सब काज, सब लोग जुटे हैं। अनेक महांत आर चैतन्य बेड़िया आनंद बसीला जगाई मधाई लैया, सब लोग दौड़ दौड़ कर आए हैं देखने के लिए तमाशा। लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय जगाई मधाई तो है गड़ा गड़ी जाए, अद्भुत अद्भुत प्रेम विकृति जगाई मधाई में दिख रही है, सारे शरीर रोमांचित है, आंखों में आंसू है। कार शक्ति बुझित चैतन्य अभिमत दुई दस्यु करे दुई महाभागवत, किसकी क्षमता है महाप्रभु किस करुणा को समझने का, दो महान डाकुओं को महाभागवत बना दिए। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे सवारे सहित सुने गौरांग सुंदरे, सब लोगों के साथ महाप्रभु सुन रहे हैं इनके मुख से स्तुति। महाप्रभु शायद इसी उद्देश्य से लेकर घर आए कि वैष्णव लोग देखें, बाहर के लोग न देखें क्या हो रहा है, सब लोग देखें कि किस रूप में लोग स्तुति कर रहे हैं। और देखिए इतना सुंदर भाव है दोनों के मुख पर, सरस्वती हैं, सुधा सरस्वती दुई जने रजिहवाय बसिला चैतन्य चंद्र प्रभु रा आज्ञाय नित्यानंद चंदे र प्रकाश एकत्र देखिले दुई जन जार जई तत्व। सरस्वती उनके जिह्वा पर उपस्थित हो गई और नित्यानंद प्रभु के तत्व को ये दोनों समझ गए और महाप्रभु के तत्व को अब बोलना प्रारंभ किए। जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धर जय जय निज नाम विनोद आचार्य जय नित्यानंद चैतन्य र सर्व कार्य जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण जय जय सचिपुत्र करुणार सिंधु जय जय नित्यानंद चैतन्य र बंधु जय राजपत्नी दुहिता प्राणेश्वर जय नित्यानंद कृपामय कलेवर श्री जय प्रभु तुमि जत कर काज जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवाधिराज जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर प्रभु र विग्रह जय अवधूत वर जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र जय जय सहस्त्र बदन नित्यानंद जय गदाधर प्राण मुरारी ईश्वर जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर। जगाई मधाई श्री चेतन महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन अपने स्तुतियों में कर रहे हैं, उनके भगवत स्वरूप और कृपा स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं पापी उधारी ले जत नाना अवतारे परम अद्भुत तहा घोषये संसारे। हे प्रभु आप पापियों के उद्धार के लिए अनेकों अवतार लिए, अद्भुत रूप से उनके पापों का उनके संसार बंधन का विनाश किए। आमा दुई पातकीर देखिया उधार अल्पत्व पाइब अपूर्व महिमा तुम्हार। हमारे जैसे पापियों को पातकियों को देखकर उद्धार किए तो जितना पापी उद्धार का आपका कार्य हुआ थोड़ा पड़ जाएगा,
आजा मिल उधारे र जतेक महत्व अमार उधारे से हो पाइल अल्पत्व। अजामिल के उद्धार का जो महत्व है हमारे उद्धार के सामने कम पड़ जाएगा। सत्य कही आमी किछु स्तुति नहीं करी, उचित ही अजामिल मुक्ति अधिकारी। यह हम सत्य कह रहे हैं, कोई हम आपकी फ्लेटरी नहीं कर रहे हैं प्रभु। कोटि ब्रह्म बधि यदि तव नाम लय, सत्य मोक्ष पद तार वेदे सत्य कहे। करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने वाला यदि आपके नाम का उच्चारण करता है तो तत्काल मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा वेद कहता है। हे न नाम अजामिल कैला उच्चारण, ते चित्र नहीं अजामिले रमुचन। वही नारायण नाम का उच्चारण अजामिल किया, इसलिए उसके उद्धार में कोई आश्चर्य नहीं है। वेद सत्य अस्थापित तुम्हारो अवतार, मिथ्या हय वेद तबे ना कैल उधार। मोरा द्रोह केनु प्रिय शरीरे तुम्हार, तथापि अमार दुई करिले उधार। हम लोग आपके प्रिय शरीर नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किए, फिर भी आप हमारा उद्धार किए। ए बेबुझी देख प्रभु अपनार मने, कत कोटि अंतर अमार दुई जने। प्रभु आप अपने मन से विचार करके देखिए कितना अंतर है हम में और दूसरे पापियों में। नारायण नाम सुनी अजामिल मुखे, चारी महाजन आइला से ही जन देखे। नारायण नाम का उच्चारण अजामिल के मुख से सुनकर चार आपके पार्षद वहां उपस्थित हुए। आमी देखिलाम तोमा रक्त पाड़ी अंगे, सांगो पांग अस्त परिषद सब संगे। मैं आपके प्रिय शरीर से रक्त निकाला और आपके पार्षदों के साथ आपका दर्शन किया। गोप्य करी राखी छिला ए सब महिमा, एवे व्यक्त होइल प्रभु महिमा ऋषिमा। जिस करुणा को आप गोप्य रूप में गोपनीय रूप में रखे थे आज वह व्यक्त हो गया, उस करुणा की सीमा आज प्रस्तुत हो गया। एबे से हैल वेद महाबलवंत, एबे से बड़ाई करी गाई वो अनंत। ए वेद के गोपनीय रहस्य जो महाबलवान है उसको अब अनंत अपने मुख से गाएंगे। एबे से विदित होइल गोप्य गुणग्राम, निर्लक्ष उधार प्रभु इहार से नाम। यदि बल कंस आदि जत दैत्यगण, ताहा उद्रोह करी पाइल मुचन। कत लक्ष्य आछे तथि देख निज मने, निरंतर देखिले कसे नरेंद्र गने। अनेक घटनाओं की चर्चा करते हुए भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तोमा सने जूझी ले न छत्री रे धर में, भय तोमा निरवधि चिंती ले कमर में। जो भी क्षत्रिय जो आपके विरोध में थे, आपसे बैर किए थे, वे आपका निरंतर चिंतन करते थे, आपसे युद्ध करने के लिए तैयारी करते थे। तथापि नारील द्रोह पाप एड़ाई थे, पड़िल नरेंद्र सब वंशे र सहिते। तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़िला, तबे कौन महाजन ने तारे परसिला। वे लोग आपका चिंतन करके युद्ध के समय आपका दर्शन और स्मरण करके आपको प्राप्त किए। हमारे परसे एबे भागवत गणे, छाया छुई जेई जन कैला गंगा स्नाने। सर्व मते प्रभु तोर ए महिमा बड़, कहा रे भांडी ब सबे जानी ले कब दड़। महाभक्त गजराज करिल स्तवन, एकांत शरण देखी करिला मोचन। दैवे से उपमा नहे असुरा पुतना, अग बक आदि जत केह नहे सीमा। छाड़िया से देह तारा गेला दिव्या गति, वेद बिने ताहा देखे कहार शकति।
जे करिला एई दुई पातकी शरीरे साक्षाते देखिल इहा सकल संसारे। अनेक भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं, अनेक पापियों का उदाहरण दे रहे हैं जो आपके संपर्क से सदगति को प्राप्त किए, जिसमें पुतना, अघासुर, बकासुर सब लोग आपसे द्रोह करके दिव्य गति को प्राप्त किए। लेकिन हमारे साथ जो आपका व्यवहार हुआ वो अद्भुत हुआ प्रभु। आज इस लीला को संपूर्ण संसार सुनेगा, अनुभव करेगा। जे करिला यही दुई पातकी शरीरे सक्षाते देखिल इहा सकल संसारे। हम लोग इस शरीर से जो पाप किए उसको सारा संसार देखा। यते के करिला तुमी पातकी उद्धार कारो कोन रूप लक्ष्य आछे सबाकार। जितने पातकियों का आपने उद्धार किया उनका कोई न कोई कारण था। निर्लक्ष तारिला ब्रह्म दैत्य दुई जन तुम्हार करुणा एबे इहार कारण। लेकिन हम दोनों ब्रह्म दैत्यों का उद्धार आपने बिना लक्ष्य के किया। बलिया बलिया कांदे जगाई मधाई यही मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। यह बोल बोल कर जगाई मधाई रोने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत अपूर्व लीला कर रहे हैं। जते को वैष्णव गण अपूर्व देखिया जोड़ा हाथे स्तुति करे सभे दंडाइया। महाप्रभु की अपूर्व करुणा अपूर्व कृपा को देखकर सारे वैष्णव समाज हाथ जोड़कर कहने लगे। जे स्तुति करिल प्रभु एई दुई मध्यपे तोर कृपा बिना इहा जाने कार बापे। वैष्णव लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु ये दोनों शराबी जिस प्रकार से आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं आपके कृपा के बिना कौन जान सकता है। तुम्हारो अचिंत शक्ति के बुझते पारे जखन जे रूपे कृपा करह जहारे। हे प्रभु आपकी अचिंत शक्ति को कौन समझ सकता है जिसके ऊपर जिस रूप में आप कृपा करें। प्रभु बोले एई दुई मद्यप नहे यार आजी हैते एई दुई सेवक अमार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये दोनों अब शराबी नहीं रहे, आज से दोनों हमारे सेवक। सबे मिले अनुग्रह कर एई दुये रे जन्मे जन्मे आर जेन आमाना पसारे। आप सभी लोग मिलकर इनके ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि जन्म जन्मांतर में मुझे न छोड़ सके। जे रूपे जहार ठाई आछे अपराध छमी आए दुई प्रति करह प्रसाद। जिस प्रकार जिसके प्रति जो अपराध किए हो आप लोग कृपा करके सब क्षमा कर दीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। सुनी आप प्रभु वाक्य जगाई मधाई सबर चरण धरी पड़ी ला तथाई। इतना सुनकर जगाई मधाई दौड़ दौड़ कर सभी वैष्णव के चरण पकड़ने लगे। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद जगाई मधाई हई निरपराध। सभी वैष्णव उनको आशीर्वाद देने लगे। आज जगाई और मधाई निरपराधी हो गए। प्रभु बोले उठ उठ जगाई मधाई हईला अमार दास आर चिंता नाई। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ओ जगाई मधाई आप लोग उठो, अब कोई चिंता नहीं, आप लोग हमारे दास हो। तुमी दुई इज्जत किछु करिले अस्तमन परम सुसत्य किछु ना है अखंडन। आप लोग जिन शब्दों में मेरी स्तुति किए वो परम सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये शरीर कभु कारो हेन नहीं है नित्यानंद प्रसादे से जानी है निश्चय। प्रभु बोले सुनो सब भागवत गण चलो सबे जाई भागीरथी र चरण। महाप्रभु कहे चलिए चलिए सब लोग गंगा के शरण में चले। सर्वगण सहिता ठाकुर विशंभर पड़िला जाहन्वी जले बन मालाधर। कीर्तन आनंदे जत भागवत गण शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वछन। महाभव्य वृद्ध सभ सेह शिशुमती जय मत हय विष्णु भक्ति रसकति। गंगा स्नान महोत्सव कीर्तने रशेषे
प्रभु भृत्य बुद्धि गेला आनंद आवेश। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ गंगा में गए और जाकर वहां स्नान किए। जलदेय प्रभु सर्व वैष्णव रगाय केहा नाही पारे सबे हारिया पलाय। महाप्रभु अपने हाथों से वैष्णव के ऊपर जल डाल रहे हैं और कोई भी उनको पराजित नहीं कर पा रहा है, सबको हरा दे रहे हैं। जल युक्त करे प्रभु जार जार संगे कत छन युद्ध करी सबे देह भंगे। जिनके जिनके साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जल केली कर रहे हैं, जल फेंक रहे हैं, वो सब लोग पराजित हो जाते हैं। छने के लिए अद्वैत गौरांग नित्यानंदे छने के लिए हरिदास श्रीवास मुकुंदे। कुछ क्षण तक अद्वैताचार्य के साथ, नित्यानंद के साथ, हरिदास जी के साथ, श्रीवास और मुकुंद के साथ जल केली करते हैं। श्री गर्भ श्री सदाशिव मुरारी श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान विद्यानिधि गंगादास जगदीश नाम गोपीनाथ हरिदास गरुण श्रीराम गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर अनंत चैतन्य भृत कत जानी नाम वेद व्यास हैते व्यक्त है वे पुराण। अन्य सर्वजन जल केली करे परानंद रसे केह जीने केह हारे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत परिकर हैं, किसका किसका नाम गिना जाए। सभी लोग बड़े आनंद से जल केली कर रहे हैं। गदाधर गौरांग मिलिया जल केली नित्यानंद अद्वैत खेलए दोहे मिली अद्वैत नयने नित्यानंद कुतूहली निर्घात मारिया जल दिले महाबली। दुई चक्षु अद्वैत मेलिते नारी पारे महाक्रोधावेश प्रभु गला गली पारे। नित्यानंद मद्यपे चरिल चक्षु कान कोथा हेते मद्यपे रहिल उपस्थान। श्रीनिवास पंडितेर मूले जाति नाई कोथाकार अवधूत जानी मिल ठाई। कई बार श्री चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं में नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच प्रेम कलह का वर्णन हुआ है। सचिदानंदन चारा जत कर्म करे निरवधि अवधूत संगति बिहरे। नित्यानंद बले मुखे नाही वास लाज हारिले अपने आर कंद लेखी काज। नित्यानंद बले मुखे नाही वास लाज हारिले अपने आर कंद लेखी काज। गौरचंद्र बले एक बारे नाही जानी तीन बार होइल से हार जीत मानी। एकदम बच्चों जैसा खेल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी आपस में एक दूसरे पर जल फेंकते हुए खेलते हैं। महाप्रभु कहते हैं एक बार के हार जीत को हार जीत नहीं माना जाएगा, तीन बार में जो हारेगा जीतेगा उसको माना जाएगा। आर बार जल युक्त अद्वैत निताई कौतुक लगिया एक देह दुई ठाई। दुई जने जल युद्ध केह नहीं पारे एक बार जीने केह आर बार हारे। आर बार नित्यानंद संभ्रम पाइया मिले न नयन जल निर्घात करिया। अद्वैत पाइया दुख बले माता लिया सन्यासी ना है कभु ब्राह्मण बधिया। तो जब बहुत तेज जल नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य की आंख में मारे तो अद्वैताचार्य जी दुखी होकर कहते हैं यह सन्यासी नहीं है, ये ब्राह्मणों को बध करने वाला ये मतवाला है। पश्चिम आर घरे घरे खाई आछे भात कुल जन्म जाति के है ना जाने को थात। पता नहीं किस जाति का है, सबके घर में भात खाता है। पिता माता गुरु नहीं जानी जे किरूप खाए परे सकल बलाय अवधूत। इसके माता पिता गुरु किसी का कुछ पता नहीं है और सबके यहाँ घूमता है खाता है अवधूत नाम से जाना जाता है। नित्यानंद प्रतिस्तव करे व्याप देशे सुनी नित्यानंद प्रभु गण सहासे। नित्यानंद प्रभु अपनी स्तुति को अपने विषय में वर्णन को सुनकर हंस रहे हैं। संघारी मुह सकल मुहार दोष नाई एत बली क्रोधे जुले आचार्य गोसाई। ते मैं सबका संहार कर दूंगा, मेरा दोष नहीं है, इतना कहकर क्रोधित होकर आचार्य गोसाई
जल फेंकते हैं। आचार्य यदा क्रोधहास्य भागवत गण, अद्वैताचार्य के क्रोध पर सभी भक्त लोग हंसते हैं। क्रोधे तत्व कहे जेन सुनी कुवचन, हे न रस कल हेर मर्म ना बुझिया, भिन्न ज्ञाने निंदे बंदे से सबे पुड़िया, नित्यानंद गौरी चांद जारे कृपा करे, से इसे वैष्णव वाक्य बुझी वारे पारे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु जिसके ऊपर कृपा करेंगे या करते हैं, वही वैष्णव के वाक्य को के मर्म को समझ सकता है। सेई कत छन्ने दुई महाकुतूहली, नित्यानंद अद्वैते हैल कोलाकुली, महामत दुई प्रभु गौरीचंद्र रसे, सकल गंगार माझे नित्यानंद भासे, हेन मत जल केली कीर्तन रसे से, प्रति रात्रि सवा लैया करे प्रभु रसे, ए लीला देखिते मनुष्य रस शक्ति नाई, सबे देखे देवगण संगोपत थाई, सर्वगण गौरीचंद्र गंगा स्नान करी, कुले उठी ऊंच करी बले हरी हरी। इस प्रकार महाप्रभु के साथ भक्तों का जो अद्भुत विहार है, यह अत्यंत वेद गोप्य है, इसको सभी लोग नहीं समझ सकते हैं, किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है समझने का। सभी लोग महाप्रभु के साथ जलकेली करके बाहर आए और भगवान गौरचंद के साथ हरी हरी बोलते हुए आनंदित हुए। सवार दिले न माला प्रसाद चंदन, सबको प्रसादी माला और चंदन लगाए, विदाय हईला सबे करीते भोजन, सबको विदा किए भोजन करने के लिए। जगाई मधाई समत पिल सवास्थाने, अपन गलार माला दिल दुई जने, जगाई मधाई को भी विदा किए और अपने गले की माला उन्हें पहनाए। ये सब लीला कभू अवधि न है, आविर्भाव तीरो भाव मात्र वेदे कह, इन सब लीलाओं का कोई अंत नहीं है, वेद केवल आविर्भाव और तिरुभाव के रूप में वर्णन करता है, प्राकट्य और तिरुभाव। गृहे आसि प्रभु धुइलेन श्री चरण, तुलसी करिलेन चरण बंदन, घर आकर महाप्रभु पैर धोए और तुलसी को प्रणाम किए, इसके बाद भोजन करने के लिए बैठ गए। वधु संगे देखी आई नयन भरिया, आज देख रही सची माँ विष्णु प्रिया के साथ ब्रह्मांड के नाथ भोजन करने बैठे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है, सची माँ को बहुत प्रसन्न होकर देख रही हैं। आई र भागे र सीमा के बली ते पारे, सहस्त्र बदन प्रभु यदि शक्ति धरे, कर जोड़ करी बले सभी भक्तगण, त्रिभुवन करे प्रभु तुम्हारा सेवन। ये सब अद्भुत चैतन्य र गुप्त कथा सर्व सिद्धि है, यह सुनी ले सर्वथा, जो व्यक्ति इसको सुनता है उसका सर्वथा मंगल होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ ते संदेह किछु ना भावी मने, अज भव नीति ऐसे गौरांगे रस्थाने, थे न मते जगाई मधाई परित्राण, करीला गौरीचंद्र जगते रत्राण, सवार करीब गौरीचंद्र से उधार, व्यक्ति रिक्त वैष्णव निंदक दुराचार। इस प्रकार जगाई मधाई के परित्राण की कथा आप सुने, वैष्णव निंदकों को छोड़कर सबका उधार हो जाएगा। सुलभ पाणी सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथा पीह शीघ्र मरे। अगर सूल पाणी शिव जी के समान भी कोई व्यक्ति हो और वैष्णव की निंदा करता हो, भक्त की निंदा करता हो, निश्चित रूप से उसका विनाश होगा, ये भागवत कहता है। पांचवे स्कंद के दसवें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। रघुगण जी कहते हैं, महद विमाना सकृताधि माद्रिक, नक्षंत दूरा दपि सूल पाणी, हे न वैष्णव निंदे यदि सर्वज्ञ होई, असे जनेर अधपात सर्वशास्त्र कही। पद्म पुराण यही परम वचन, प्रेम भक्ति है यह कहिले पालन। सताम निंदा नाम न परम पराधम वितनुते, जतः ख्यातिम जातम कथम मोसहते, तद बिगरही हम। सज्जनों की निंदा श्री नाम के निकट महान अपराध का विस्तार करती है। आय
श्री नाम प्रभु ने जिन भक्तों के निकट इहलोक में ख्याति अर्जित की है उनकी निंदा वे नाम प्रभु कैसे सहन करेंगे, अर्थात कभी भी सहन नहीं कर सकते, परंतु वह नाम अपराधी का विषम सर्वनाश का आनयन करते हैं। जेई सुने यही महादसुर उद्धार, तारे उधारी व गौरचंद्र अवतार। इस प्रकार इन दोनों दस्युओं के उद्धार की कथा जो सुनता है उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य कथा आदि अंत नहीं जानी, जेते मते चैतन्य जस से बखानी, गण सह प्रभु पाद पद्म नमस्कार, इथे अपराध किछु नहु को अमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। आगे के अध्यायों में भी एक कथा है, यही पूरी नहीं हुई। चतुर्मुख पंचमुख आदि देव गण नीता आशी चैतन्य करे न सेवन। ब्रह्मा और शिव आकर चैतन्य महाप्रभु के पास भक्ति सुख का स्वादन करते हैं। सब दिन देखे प्रभु जत लीला करे, शयन करीले प्रभु सबे चले घरे। सब दिन भर शिव ब्रह्मा उपस्थित रहकर लीला देखते हैं और शाम को घरे जाते हैं। ब्रह्म दैत का उद्धार हुआ, जगाई मधाई का। इस पर सब लोग आनंद में विचार करने लगे। प्रभु स्थान इंदित ऐसे जम धर्मराज आते हैं, अपने देखिल प्रभु चैतन्य कार्य स्वयं अपने आंखों से देखे। चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासा प्रभु जम, चित्रगुप्त के पास गए और जाकर जिज्ञासा की किवा ये दुईरे पाप किवा उपशम, इन दोनों ने कितना पाप किया था और किस कारण से महाप्रभु इन पर कृपा कर दिए। थोड़ा उलाटो पन्ना देखो। चित्रगुप्त बोले सुन धर्म जमराज, ए विफले परिश्रम जार किवा काज, क्यों दोबारा परिश्रम करा रहे हैं, इस तरह के परिश्रम से क्या लाभ मिलने वाला है। लक्ष्य कायस्थ यदि एक मास पड़ी तथापि पाई ते अंत शीघ्र नहीं बढ़ी। इनके पापों को यदि 100,000 कायस्थ मिलकर पढ़ते रहे 1 महीना तक फिर भी अंत नहीं होगा। तुम्ही यदि सुना लक्ष्य करिया श्रवण, आप 1,00,000 कान बनाकर भी सुनेंगे तथापि सुनिवारे तुम्ही जे भजन, फिर भी नहीं आप सुन पाएंगे। ये दुई पाप जत कहे अनुक्षण, तहा लगी दूत कत खाई मारण। आप क्यों सुनना चाहते हैं, ये दोनों इतना पाप किए हैं, इतना पाप किए हैं, इन दोनों के पापों को दूत निरंतर कहते ही रहते हैं और इसके लिए दूतों को कितनी बार मार खानी पड़ती है। बोलो बोलो, फिर भी बोलते रहते हैं बेचारे, बोलते रहते हैं, वर्णन करते हैं, लिखते हैं। दूत बोले पाप करे से ही दुई जने, लेखाई तो भार मोर मोर मार के ने, पाप वो कर रहे हैं, हमको लिखने में बोलने में भार सहना पड़ता है। ना लिखिए है शास्ती है ना लागी लिखी, अगर हम लिखते नहीं तब भी हमको दंड मिलता, आ जब लिख दिए तो पर्वत प्रमाण गड़ा आछे तार साक्षी, ये बही पहाड़ जैसा हो गया। आमार आयो कांदी अच्छी ओ दुई लागिया, के मते वा जाता ना सही बा आसिया, वे लोग पाप करते हैं हम लोग दंड सह रहे हैं। लिखो लिखो, लिखने में दंड, लिखने में मेहनत, उसको बोलिए अब फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं। तिल मात्र महाप्रभु सब कैला दूर, जब आज्ञा कर गाड़ा डुबाए प्रचुर। इतना मेहनत करके लिखे, डंडा सहते थे, मार सहते थे, फिर लिख कर तैयार किए, एक क्षण में महाप्रभु सब खत्म कर दिए, अब उनको किस गड्ढा में गाड़ा जाए, कहाँ रखा जाए। कभू नहीं देखे जम ए मत महिमा, पातकी उधार ये तो सब तार सीमा। स्वभाव वैष्णव जम मूर्ति मंत्र धर्म, भागवत धर्म जाने ये सब मर्म। यखन सुनीला चित्रगुप्त वचन, कृष्णा वैसे देह पर शिला तत् क्षण। जे ही चित्रगुप्त की बात सुने उनमें भी भाव आ गया। पड़ीला मूर्छित हया रथेर ऊपरे, कोथायो नाही का धातु सकल शरीरे, शरीर में कहीं कोई प्राण ही नहीं दिख रहा है, बेहोश हो गए। आते बैठे चित्रगुप्त यदि जत गौर सब लोग उठाए, धरिया लागी ल जाते करी लखन दन।
शंकर बिरंची शेष आदि देवगण नारद आदि गाय जई दुईर मोचन, सब लोग गा रहे हैं। शेष अज भव नारद आदि ऋषि गणे देखे पड़े आछे जम देव अचेतने, सब देख रहे हैं जमराज अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। नाचई धर्मराज छाड़िया सकल काज, कृष्णा वेश ना जाने अपना। शंकरिया श्री चैतन्य बले अति धन्य धन्य, पतिता पावन धन्य बाना। भाव विभोर होकर नाच रहे हैं, धन्य हो महाप्रभु धन्य हो। यमेर जतक गण देखिया, यमेर प्रेम आनंद पड़िया गड़ी जाए। यमराज का प्रेम देखकर उनके लोक में सब विचित्र अवस्था को प्राप्त हुए। चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़ अनुराग, मालसाट पूरी पूरी धाय। आनंदे महेश नाचे, जटायो नाही को बांधे। यमराज के प्रेम को देखकर आनंद में शिव जी नाचने लगे, जटा भी नहीं बांधे। देखे नहीं जब प्रभु रो महिमा। कार्तिक गणेश नाचे महेश र पाछे पाछे, शंकरिया कालुणे र सीमा। महाप्रभु की करुणा की सीमा पर विचार करके सब लोग नाच रहे हैं। नाचे चतुरानंद भक्ति जार प्राण धन, लैया सकल परिवार। सारे परिवार के साथ ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, शिव जी भी परिवार के साथ, गणेश और कार्तिक नाच रहे हैं और ब्रह्मा जी के साथ। कश्यप कर्दम दक्ष मनु भृगु महामुख्य, पाछे नाचे सकल ब्रह्मार। कश्यप जी नाच रहे हैं, कर्दम मुनि नाच रहे हैं, दक्ष प्रजापति मनु भृगु सारे मुख्य ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र नाच रहे हैं। पाछे नाचे सकल ब्रह्मार। देवर्षि नारद नाचे, रही आ ब्रह्मार पाछे नयन बहे प्रेम जल। पाइया जसेर सीमा कोथावा, रहिला बीड़ा ना जाना आनंद बिहल। नाचने में बीड़ा किधर गिरा कुछ पते नहीं है नारद जी को, इतना बेहोश है कुछ पता नहीं है, वो दिव्य बीड़ा है। चैतन्य र प्रिय भृत सुख देव करे नृत्य, भक्ति र महिमा सुख जाने। लोटाई या पड़े धूली जगाई, मधाई बली करे दंड प्रणाम। नाचे इंद्र सुरेश्वर महाधीर ब्रजधर, अपना र करे अनुताप। अपने को अनुताप करते हुए इंद्र नाच रहे। सहस्त नयन धार अविरत बहे जार, सफल है ल ब्रह्मशाप। बाप रे, सुने इसका अर्थ समझे। वज्रधर महावीर इंद्र नाच रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं कि वाह मेरा देखो दुर्भाग्य, मैं मैनेजमेंट में पड़ा हुआ मर रहा हूँ, आज ब्रह्म साप सफल हो गया। 1000 आंखों से दृश्य को देखे और 1000 आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। प्रभु रो महिमा देखी इंद्र देव बड़ सुखी, गड़ा गड़ी जाय परवश। कोथा गेला वज्र सार, कहाँ वज्र गिरा, कोथा किरी टिहार, कहाँ माला गिरा, कहाँ मुकुट गिरा, इहा रे बोली कृष्ण रस। चंद्र सूर्य पवन कुबेर बहिनी वरुण, नाचे सब जत लोकपाल। सब ये कृष्ण रित कृष्ण रस करे नृत्य, देखी या कृष्ण ठाकुराल। अज भव नारद सुख आदि जत देव अनंत बेड़ी या सब नाचे। गौरचंद्र अवतार ब्रह्म दैत्य उधार, सहस्त बदन गाय माझे। केह कांदे केह हासे केह महापर काशे, केह मूर्छा पाये जई ठाई। केह बोले भाल भाल गौरचंद्र ठकुराल, धन्य धन्य जगाई मधाई। इस रूप में सब लोग अद्भुत ढंग से नाच रहे हैं, अद्भुत ढंग से धन्यवाद दे रहे हैं। जय जगत मंगल प्रभु गौरचंद्र, जय सर्व जीव लोकनाथ। उधारीला करुणाते ब्रह्म दैत जैन मते, सबा प्रति कर दृष्टिपात। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जय हो जगत मंगल, जय हो गौरचंद्र, जय हो सर्व जगत के लोकनाथ। आप करुणा करके जैसे ही ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किए, वैसे सबके प्रति दृष्टिपात कीजिए। जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पतित पावन धन्य बाड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, वृंदावन दास गुण गाना। इस प्रकार वृंदावन दास ने इनका गुण गाया। अभी थोड़ा सा और है 15वां अध्याय में। हेनमत नवदीप विश्वम्भर राय, अनंत अचिंत लीला करे सदाए।
नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत लीला कर रहे हैं। जगाई मधाई दुई चैतन्य कृपाए परम धार्मिक रूपे बसे नदी आए, उषा काल गंगा स्नान करी आ निर्जने, दुई लक्ष कृष्ण नाम लय प्रतिदिने। 2 लाख कृष्ण नाम जप रहे हैं गंगा के तट पर स्नान करके। मधाई नित्यानंद प्रभु से पूछता है, विशेष रूप में हमारा कर्तव्य बतलाइए। विशेष मधाई नित्यानंदे लंघिया पुनः पुनः कांदे विप्रता संगरिया। विशेष रूप से मधाई नित्यानंद प्रभु के चरण में आकर प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको स्मरण आता है कि नित्यानंद प्रभु पर मैंने आक्रमण किया था और नित्यानंद प्रभु हमारे अपराध को क्षमा किए। इसलिए मधाई को चैन नहीं है, एकदम बेचैन है। कितना हूं महाप्रभु घोषणा किए कि मैं तुम्हारे पाप को समाप्त कर दिया, तुम चिंता मत करो, तुमको कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दर्शन से गंगा स्नान का फल मिलेगा। लेकिन मधाई को चैन नहीं है, एकदम चैन नहीं। नित्यानंद छाड़ी ल सकल अपराध, तथापि मधाई चित ना पाए प्रसाद। नित्यानंद अंग मुई कैनु रक्तपात, यह बोली निरंतर करे आत्मघात। प्रतिदिन दिन रात रोता था कि मैंने नित्यानंद प्रभु पर रक्तपात किया, उनके सिर पर खून गिराया। जेई अंग चैतन्य चंद करे बिहार, हेना अंग मुई पापी करुण प्रहार। जिनके शरीर में चैतन्य महाप्रभु विहार करते हैं उनके शरीर पर मैं रक्तपात किया। मूर्छागत हई या संगरी मधाई और निष्कांदे यार किछु चिंता नहीं। और निस दिन रात सो ही नहीं पाता था, दिन रात इसी आवेश में रहता था। एक दिन नित्यानंद निभृते पाइया, एक दिन एकांत में गया नित्यानंद प्रभु के पास। पड़ीला मधाई दुही चरण धरिया, एकांत में नित्यानंद प्रभु के पास मधाई गया और चरण पकड़ कर कहने लगा, प्रेम जले धोआई ल प्रभु र चरण, दंते तृण धरी करे प्रभु र स्तवन। विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु करह पालन, तुम्ही से फड़ाई धर अनंत भुवन। हे प्रभु, आप विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं और अनंत के रूप में फल पर इस संसार को धारण करते हैं। भक्ति र स्वरूप प्रभु तोर कलेवर, तुम्हार चिंतय मने पार्वती शंकर। आपकी ही आराधना भगवान शिव करते हैं पार्वती के साथ। तुमा से भक्ति जोग तुम्ही कर दान, तुमा बई चैतन्य र प्रिय नहीं आन। हे प्रभु, आपसे बढ़कर चैतन्य महाप्रभु का कोई प्रिय नहीं है। तुमार से गुण गाए ठाकुर नारद, तुमार से जत किछु चैतन्य संपद। चैतन्य महाप्रभु के पास जो भी संपद है वो आप हैं, आपके द्वारा ही है। हे प्रभु, तुम्ही से जगत पिता महाजोगेश्वर, तुम्ही से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर। मैं सारे स्तुतियों को तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कुछ प्यारों को पढ़ रहा हूँ संक्षेप में। तुम्ही से जगत पिता महाजोगेश्वर, तुम्ही से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर। हे महाजोगेश्वर, हे जगत पिता, आप ही लक्ष्मण हो, आप ही महाधनुर्धर लक्ष्मण हो। तुम्ही चैतन्य भक्त, तुम्ही महाभक्ति, जत किछु चैतन्य र तुम सर्वशक्ति। आप चैतन्य के भक्तों में महान, आप स्वयं भक्ति स्वरूप हो। जत किछु चैतन्य र तुम सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु के पास जो कुछ भी है वो सब आप हैं। तुम्ही सैया, तुम्ही खट्टा, तुम्ही से स्वयं, तुम्ही चैतन्य र छत्र, तुम्ही प्राण धन। हे प्रभु, आप सैया हैं, आप उनका खाट हैं, आप ही शयन स्थान हैं, आप ही उनके छत्र हैं, आप ही उनके प्राण हैं। तुम्हार कृपाए सृष्टि करे अज देवे, आपकी कृपा से ब्रह्मास्त्र जगत की सृष्टि करते हैं। तुम्हारे से रेवती बारुणी कांति सेवे, हे प्रभु, आपकी सेवा महारानी रेवती करती है, बारुणी देवी करती है, कांति देवी करती है। तुम्हारे से क्रोध महारुद्र अवतार, से ही द्वारे करे सर्व सृष्टि र संहार। आपके ही अंश से रुद्र जगत की सृष्टि का संहार करते हैं। शंख सारात्मनो रुद्रो निष्क्राम्याति जगत त्रयम्।
विष्णु पुराण में है कि संकर्षण रुद्र में शक्ति देकर जगत का विनाश करते हैं। परम कोमल सुख विग्रह तुम्हार, ओहो बहुत ग्लानी कर रहा है मधाई, कह रहे परम कोमल सुख विग्रह तुम्हार से विग्रह करे कृष्ण शयन विहार। आपके परम कोमल सुखमय विग्रह पर कृष्ण विहार करते हैं, आप उनकी सैया हो शेष रूप में, आप पर भगवान शयन करते हैं। सिंहन श्रीअंगे मुई करी मु प्रहार, मो अधिक दारुण पात की नहीं यार। हाय हाय उसी श्रीअंग पर जिस पर भगवान विहार करते हैं शयन करते हैं उसी अंग को मैंने तोड़ा था। पार्वती प्रभृति नवार बुद्ध नारी लिया जे अंग पूजय शिव जीवन धरिया। पार्वती जैसे अनेक युवतियों को लेकर भगवान शिव जिनका पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जिनका वर्णन है। जे अंग स्मरण सर्व बंध विमोचन, जिन अंगों का स्मरण करने से लोगों का बंधन समाप्त हो जाता है। हेनो अंगे रक्त पड़े अमर कारण, जे अंग स्मरण सर्व बंध विमोचन, हेनो अंग रक्त पड़े अमर कारण। जिन अंगों का स्मरण करने से सबका बंधन समाप्त हो जाता है उन्हीं अंग से खून गिरा था मेरे कारण। चित्र केतु महाराज जे अंग सेविया, सुखे बिहर एक वैष्णवागर हैया। जिनके अंगों का सेवन करके महाराज चित्र केतु वैष्णव में महान हो गए, अनंत ब्रह्मांड करे जे अंग स्मरण। हेन अंग मुई पापी करूं लंघन, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिन अंगों का स्मरण करता है उन्हीं अंगों को मैं पापी चोट पहुंचाया। जे अंग लंघिया इंद्र जीत गेला छय, जे अंग लंघिया द्विदिर नाश होय। जिन अंगों का इंद्र जीत मेघनाथ जिन अंगों पर बाण चलाकर विनाश को प्राप्त हुआ, जिन अंगों पर प्रहार करके द्विविध का नाश हुआ। जे अंग लंघिया जरासंध नाश गेलो, जिन अंगों पर प्रहार करने के कारण जरासंध का नाश हुआ। आर मोर कुशल नहीं जे अंग लंघिला, और मैंने उसी अंग पर प्रहार किया। लंघे न की दाय जहार अपमाने, कृष्ण न से अलग रुकमी त्यजी ल जीवने। अरे अंग पर चोट पहुंचाने की तो बात छोड़िए, जिनका अपमान करने के कारण रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा, जो कृष्ण का साला था, निकटतम भाई था रुक्मिणी का, वह भी जिनका अपमान करने के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। आपको देख कर नहीं उठने के कारण सूत का विनाश हो गया। जार अपमान करी राजा दुर्योधन, सब वंश से प्राण गेला नाही कर रक्षण। जिनके अपमान करने के कारण राजा दुर्योधन का सब वंश सारा वंश के साथ विनाश, जार अपमान मात्र जीवन एरा नाश, मुई दारुण एला कौन लोके हो विवास। तो हाय हाय जिनके अपमान करने मात्र से जीवन का नाश हो जाता है, उन पर मैंने कष्ट पहुंचाया, मेरा क्या होगा। बलिते बलिते प्रेम भाषा मधाई, बक्षे दिया श्री चरण पड़ी ला तथाई। इतना कहते कहते मधाई उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपने बक्षस्थल पर उनका चरण रख लिया। जे चरणे धरिल ना जाई कभु नाश, पति त्राण लागे जहर प्रकाश। जिन चरणों को धारण करने पर किसी भी पतित का उद्धार हो जाता है, उसी चरण का आश्रय लिया मधाई। शरणागतेर बाप कर परित्राण, मधाई तुम इसे जीवन धन प्राण। जय जय पद्मवती नंदन, जय नित्यानंद, जय वैष्णवेर धन। इस प्रकार मधाई उनके चरणों में गिरता है, कहता है हे पद्मावती के पुत्र, हे नित्यानंद, हे वैष्णव के धन, जय जय अक्रोध परमानंद राय। शरणागतेर दोष क्षमिते जुआय, दारुण चंडाल मुई कृतघ्न को खर, सब अपराध प्रभु मोरे क्षमा कर। मधाई काकु प्रेम सुनिया स्तमन, हासी नित्यानंद राय बलीला वचन। इसके बाद नित्यानंद प्रभु हंसते हैं, हंस कर कहते हैं उठो उठो मधाई अमार तुम्हें दास,
तुम्हारा शरीर है हमारा प्रकाश, उठो उठो मधाई, तुम मेरा दास हो, तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश हो। शिशु पुत्र मारी ले कि बाप दुखे पाए, क्या नित्यानंद प्रभु का स्नेह है। कहते हैं देखो मधाई, कोई बेटा छोटा बच्चा अगर बाप को एक तमाचा मार देता है तो क्या बाप को दुख होता है? यही मत तुम्हारा प्रहार मोर गाए, इसी प्रकार तुम्हारा मारना मेरे शरीर पर लगा। मधाई तुम चिंता मत करो, तुम इसे करीला स्तुति, यहाँ जे सुने तुम जो स्तुति मेरे प्रति किया है, अगर उस स्तुति को जो व्यक्ति सुनता है से हो भक्त हो वे का हमारा चरण, वो भी हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेगा। अमार प्रभु तुम्ही अनुग्रह पात्र, अमाते तुम्हार दोष नहीं तीन मात्र। हमारे प्रभु का तुम पर अनुग्रह है मधाई, तुम में कोई दोष नहीं रह गया तिल मात्र भी। जे जन चैतन्य भजे से अमार प्राण, जुगे जुगे तार आमी करी परित्राण। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वह मेरा प्राण है, मैं झुक झुक में उसका परित्राण करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मधाई ना भजे चैतन्य जबे मोरे भजे गाय, जो मेरे चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करता है और केवल मेरा भजन करना चाहता है, मोरे दुखे से हो जन्मे जन्मे दुख पाए, मैं उससे दुखी हो जाता हूँ और मेरे दुख से वो जन्म जन्मांतर दुखी रहता है। ये तो बोली तुष्ट भैया कैला आलिंगन, सर्व दुख मधाई र कैला विमोचन। इतना कह करके श्री नित्यानंद प्रभु मधाई का आलिंगन किए और उसका सारा दुख समाप्त कर दिए। पुनः बोले मधाई धरिया चरण, आर एक प्रभु मोर अच्छे निवेदन। हे प्रभु एक और निवेदन है, सर्व जीव हृदय बसाई प्रभु तुमी, हे न बहु जीव हिंसा करी अच्छे आमी। सभी जीवों के हृदय में आप रहते हैं प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत से जीव हिंसा किया है। कारवाना करिनु हिंसा ताहा नहीं छीनी, छीनी लेवा अपराध मांगी अपनी। जा सवार स्थाने करिलामु अपराध, कौन रूपे तारा मोरे करीबे प्रसाद। मैं कोई पहचान नहीं किया कि आप सभी जीवों के हृदय में रहते हो प्रभु, मैंने बहुत जीवन में हिंसा किया, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन हिंसा जनित अपराध दूर हो जाए। यदि मोरे प्रभु तुम्ही हईला सदय, इथे उपदेश मोरे करो महाशय। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मुझको उपाय बताइए कैसे मैं उन हिंसा जनित पापों से मुक्त हो जाऊं। प्रभु बोले सुन कही तुम्हारे उपाय, गंगा घाट तुम्ही सज करो सदाय। जाओ गंगा घाट पर और घाट का मरम्मत करो, सुख पूर्वक लोगों को स्नान करने की व्यवस्था करो, अपराध मंजनी गंगा का सेवा कार्य करोगे तो इससे तुम्हारा जीव हिंसा जनित पाप समाप्त हो जाएगा। मधाई काकू करी सवारे करी है नमस्कार, जो गंगा घाट पर आएगा उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना, तबे सब अपराध क्षमी बतुमार। अभी अपराध क्षमा नहीं हुआ है लेकिन एक विशेष प्रायश्चित बता रहे हैं। उपदेश पाइया मधाई तत्क्षण, चलीला प्रभु र करे बहु प्रदक्षिण। उपदेश पाकर उनकी परिक्रमा किया, कृष्ण कृष्ण बोले थे नयने बोले जल, गंगा घाट सज करे देखे ही सकल। सभी लोग देख रहे हैं गंगा की धार से घाट टूट जाता है हर साल प्रति वर्ष, और नया नया घाट बनाता है, मरम्मत करता है, पत्थर रखता है दिन भर। लोक देखी करे बड़ अपूर्व ज्ञान, सवारे मधाई करे दंड प्रणाम। ज्ञाने न अज्ञाने जत कैनु अपराध, सकल क्षमिया मोर कर प्रसाद। जान अनजान में मैं आप लोगों के प्रति बहुत अपराध किया, आप कृपा करके मेरे अपराध का मोचन कीजिए, मुझसे बहुत गलती हुआ, मैं सब लोगों को गाली दिया। मधाई कंदे कांदे सर्वजन, आनंदे गोविंद सबे करे स्मरण। मधाई रो रो कर क्षमा मांगता है, उसको देख कर सभी लोग क्षमा मांगते हैं। सुनी लो सकल लोक निमाई पंडित, जगाई मधाई कैल उत्तम चरित्र। सारे नवद्वीप में यह बात फैल गई कि बाप निमाई पंडित ने जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार कर दिया। सुनीला सकल लोक हईला विस्मित, सबे बोले नर नहीं निमाई पंडित। निमाई पंडित मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। ना बुझी निंदे जत सकल दुर्जन, निमाई पंडित सत्य करे न कीर्तन। बिना जाने लोग निमाई की निंदा करते हैं लेकिन वास्तव में यह भगवान के नाम का कीर्तन करके जगत का हित कर दिया।
निमाई पंडित सत कृष्ण दास नष्ट हवे जे तारे करे परिहास। निमाई पंडित सत्य है और कृष्ण के दास सत्य है, अगर जो इनकी मजाक उड़ाता है हंसी उड़ाता है उसका नाश हो जाता है। यही दुईर बुद्धि भाल जे करीते पारे से ईश्वर की ईश्वर शक्ति धरे। प्राकृत मनुष्य नहीं निमाई पंडित, साधारण मनुष्य नहीं है। एवे से महिमा तान होइल विदित, अब पता चल गया यही मत नदी आर लोके कहे कथा, आर लोक ना मिसाए निंदा है जथा। जो लोग निंदा कर करके मर रहे थे उन पर कितनी बड़ी कृपा हो गई कि अब प्रशंसा कर रहे हैं। परम कठोर तप करे मधाई ब्रह्मचारी जैन ख्याति होइल तथाई। सारे नदिया में प्रसिद्ध हो गया कठोर तपस्या मधाई करता था, मधाई का नाम चेंज हो गया मधाई ब्रह्मचारी। निरवधि गंगा देखी थाके गंगा घाटे, स्वहस्ते कुदाली लिया अपने घाटे। अपने हाथ से कुदाल लेकर गंगा घाट बनाता था, पत्थर रखता था घाट पर, स्नान करने बैठने कपड़ा रखने का जगह बनाता था। सब लोग वहां जाते थे स्नान करने और उस घाट का नाम ही पड़ गया मधाई घाट। मधाई के घाट पर चलो स्नान करें, यही मत कत कीर्ति हुई ल दोहार, चैतन्य प्रसाद दुई दस्यु उद्धार। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन दोनों डाकुओं पर हुआ। मत खंड कथा जैन अमृत तेरा खंड, जहा ते उद्धार दुई परम पाखंड। परम प्रचंड पापियों का उद्धार हुआ है यह कथा इस अध्याय में वर्णन हुआ है। चारी वेद गुप्त धन चैतन्य कथा, मन दिया सुन जे कहिल जथा तथा। चारों वेद के गोपनीय कथा को मैंने यहाँ व्यक्त करने की कोशिश किया, मन देकर इसको सुनो। जैसे तैसे मैं वर्णन करने का कोशिश किया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास सुपद जुगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, जिनके प्राण स्वरूप है वृंदावन दास, उनके चरणों में कुछ गान करते हैं। नवदीप के कुछ लीलाओं का वर्णन कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री जय।